गुड मॉर्निंग, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ PCC प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर ITJEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट। वेव एंड ऑसिलेशन ये नया यूनिट है, इसमें तरंग और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन में स्पेशली सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में सीखेंगे। पहला हम लोग टॉपिक होगा हेडिंग पर, दूसरे नंबर पर यह है, लेकिन इसको सीखने पहले ऑसिलेशन पहले सीखा जाएगा, फिर वेव पर आते हैं। और ये दोनों टॉपिक बहुत अलग अलग हैं, काफ़ी दूर दूर लोग बुक में पढ़ते हैं, है ना। सिलेबस की डिजाइनिंग भी है, पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं फिर वेव पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे जिससे लगे खाक दोनों में एकदम बहुत ज़बरदस्त लिंक है, एक पढ़िए दूसरा ऑटोमेटिक समझ माने। तो पहले शुरुआत करते हैं ऑसिलेशन, यही हम लोगों का टॉपिक होगा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को देहाती में बोलते हैं दोलन, दोलन कहते हैं। ऑसिलेशन क्या है, जैसे मार्केट चल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, नॉर्मली जो वॉक करने की स्टाइल है उसमें हैंड की जो वेविंग होगी वो कौन सा मोशन करता है, हाथ, ऑसिलेशन करता है हाथ का जो मोशन। जैसे नॉर्मली आप चलिए, यूजुअली आप चलिए नॉर्मली ऐसे जा रहे हैं, बाजार से जा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं कैमरे वाले नहीं देख पा रहे हैं, हाथ मूविंग देखें नहीं, हाथ मूविंग देखें एकदम नॉर्मली है, यूजुअली हाथ तो चलता है कि जो हाथ की जो वेविंग है, जैसे ऐसे नॉर्मली आप चलते हैं, कोई जान बुझ के नहीं चलाता है, नॉर्मली ऐसे चलता है, क्योंकि चलता है एक्चुअल पैर, लेकिन हाथ उस चलते हैं आप अच्छे कोई अब बंद रख करके चले कि नहीं भाई हाथ तो नहीं वेव कर लेते, तब वो मजाक किया हो जाएगा, इसे बजा जाए आलू खरीदने जा रहे बिल्कुल स्टेशनरी मोड में रख करके आपका मोशन बेहतरीन नहीं होगा। जैसे कहीं रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं लोग, उस दौड़ में जैसे उसका सीन ऐसे रिकॉर्ड करिए, कैप्चर करिए, हाथ से ज़्यादा पैर से ज़्यादा हाथों से दौड़ते हैं लोग, जैसे हाथ दौड़ना है तो ऐसे दौड़ते हैं, देखते रहे नहीं हाथ क्या पड़ी है भाई, हाथ से क्यों कोशिश कर रहे हैं, हाथ जेब में डालिए या हाथ पीछे से बांध दीजिए फिर रेस लगवाइए। तो वास्तव में तब वो एक आदमी का हाथ खुला हो और एक आदमी का हाथ बंधा हो, है ना, कौन जीतेगा, जिसका हाथ खुला, जबकि दौड़ रहा है पैर, लेकिन ये और भी काम करता है, सेंटर ऑफ मास को मेंटेन रखता है, दोनों पैर के बीच में लाई कराने की कोशिश करता है, उसका मोशन जो हमेशा जो मोशन है बैलेंसिंग को भी मेंटेन रखता है, हाथ का जो मोशन है इसका भी अपना रोल है। इसलिए लोग फिजिक्स पढ़े हुए ना पढ़े, दौड़ते समय ऐसे ऐसे करेंगे है कि नहीं, उनको सिखाया थोड़ी गया देखिए भाई ऐसे दौड़िए तो तेज दौड़ेंगे, हाथ जेब में डाल के मत दौड़िएगा, है कि नहीं, उनको आइडिया है, वो जानते हैं फिनामिना पहले से वो अगर करती हैं, घटनाएं पहले होती हैं, फिजिक्स उसका एक्सप्लेनेशन करता है, केवल पेन पेपर स्क्रीन जरिए समझाता है कैसे हुआ ये चीज़, उसी समझता है पहले घटना बाद में उसका निराकरण होता है, समाधान बाद में होते हैं। चलिए तो ऑसिलेशन हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ऑसिलेशन सीखने से पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन टॉपिक शुरू हो गया। अब पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन अपने फैमिली का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे एकदम रिलेशन में दादा बाबा लगता है, ग्रैंड फादर है पीरियाडिक मोशन। फिर इसके और बच्चों में कौन है, ऑसिलेशन, उनके और बच्चों में SHM, है ना, तमाम ऐसे उसके सब डिवीजन बनेंगे। पहले हम लोग पीरियाडिक मोशन में, पीरियाडिक मोशन है कि कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या कोई पार्टिकल अपने ट्रैक को बार बार दोहरा है, हाथ के इशारा से देख लिए होंगे, कोई पार्टिकल अपने ट्रैक को अपने रास्ते को बार बार दोहरा है ईच आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के बाद, इस तरह के मोशन को पीरियाडिक मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन, पीरियाडिक मोशन की एग्जांपल हाथ के इशारे समझ में आ गए, यानी पंखे के जैसे मोशन है। पीरियाडिक मोशन का एग्जांपल जो यहाँ बगल में जालियों कह दी, ये फर्राटा फैन का मोशन है कि नहीं, ये सब कैसा मोशन है, पीरियाडिक मोशन। कोई इंजन चल रहा है उसका भी मोशन कैसा है, पीरियाडिक मोशन। सबका RPM होता है, राउंड पर मिनट, एक मिनट कई चक्कर लगाएगा, छोटा वाला इंजन है किलोस्कर, जो जनरेटर वाला 1200 RPM होता है, कितना RPM 1200 RPM। साधारण इंजन है डीजल इंजन, जो पानी उनी खिंचवाने के लिए, ये गेहूँ पीसने के लिए होता है, आटा पीसने के लिए नहीं, गेहूँ पीसने वाला है ना,
वो उसका आरपीएम लगभग 750। सबका अपना आरपीएम, आरपीएम का फुल नेम राउंड पर मिनट, एक मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। ये सीलिंग फैन है, फर्राटा फैन है, सबका अपना आरपीएम होता है। यानी ये सब मौसम कैसे हैं, पीरियडिक मौसम। अर्थ का सन अबाउट रिवोल्यूशन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है उसका भी मौसम कैसा है, पीरियडिक। कितने समय में एक चक्कर लगाती है, कितने टाइम में एक चक्कर लगाती है अर्थ, कम जानकार है, एक वर्ष चाहिए मोटा मोटा, एक साल में ही चल जाएगा। सही सही बोलना है एग्जैक्ट डे में तो 365.25 डेज, 365 दिन और 1/4 दिन, 0.5 मतलब एक दिन का चौथा ही है, समझ पा रहे हैं। 365 दिन, 365 डेज पूरा पूरा, और प्लस 0.5 मतलब 1/4, 1/4, 1/4 डे मतलब समझते हैं 24 घंटा होता है, 24 घंटा का चौथा ही है, प्लस कितना 6 घंटे, समझ पा रहे हैं। 365 दिन और 6 घंटे होता है अर्थ का सन की अबाउट रिवोल्यूशन का टाइम। अच्छा, इसी वजह से हर चौथे साल, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 6 6 मिलकर के 24 घंटा, चौथे साल बाद 24 घंटा पूरा पूरा एक बढ़ जाता है, और वो 24 घंटा मतलब एक दिन, और वो दिन किसको दिया जाता है, जो सबसे छोटा है परिवार में, जो सबसे दुबला पतला, कम्प्लान कभी नहीं पिया है, फरवरी किसको दे देते हैं, जाओ तुम मिले जाओ, उस साल फरवरी 19 को जाती है, बोले उस ईयर को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं आधिवर्ष, हिंदी में लीप वर्ष नहीं कहते, अंग्रेजी टर्मोलॉजी है लीप ईयर, लीप मतलब एक्सेसिव जो बढ़, और हिंदी बोलना शुद्ध हिंदी आधिवर्ष, अंग्रेजी में लीप ईयर, हिंदी में आधिवर्ष। तो अच्छा, अर्थ का एक और मौसम है, अर्थ का एक और मौसम कौन सा है, अपने एक्सिस पर रोटेशन, रोटेशन रोटेशन वाला टाइम पीरियड कितना है, पूरा पूरा 24 घंटे, 24 आवर, समझ पा रहे हैं इस तरह से। अच्छा, टाइम पीरियड मतलब समझ गए, तो टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर लगाने वाला समय। तो पीरियडिक मोशन क्या है, ये जनरल मोशन है, इसमें सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, और जो हाथ ऐसे हिला रहे थे आसलेशन भी हो रहा है, समझ पाएंगे नहीं। पीरियडिक मोशन बस खास बात क्या है, अपने रास्ते को बार बार रिपीट करें, अपने रास्ते को बार बार दोहराए, समझ पा रहे हैं। ईच आफ्टर इक्वल इंटरवल वाला टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद अपने रास्ते को दोहराता है पीरियडिक मोशन। देखिए, मोशन आप पार्टिकल विच रिपीट इट्स पाथ ईच आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ नोन एज कौन सा मोशन, पीरियाडिक मोशन, नोन एज पीरियाडिक मोशन। एग्जाम्पल बहुत से हैं, जैसे रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, कितना टाइम पीरियड इसका, 365 डे प्लस 6 आवर्स, 6 आवर के डेज में लिखे तो 0.25, तब कंप्लीटली आप डे लिख सकते, कंप्लीट दिन लिखना है तो 365.25 डेज, और किसी को आराम खोल के समझाना करीब 365 दिन और 6 घंटे, 0.25 डेज मतलब 6 घंटे, 1/4 घंटे, 6 घंटे। जो फिक्स टाइम इंटरवल है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, स्कैर्सिटी से रिलेटेड रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन, माने अपना होता है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर ये रोटेट करे तो कितने समय में एक चक्कर लगा ले हुए 24 घंटे, उसी एक चक्कर वाले समय को टाइम पीरियड।
मून किसका चक्कर लगाता है? अर्थ। कितने समय मून चक्कर लगाता है? लगभग 27 दिन। कितने दिन में? 27 दिन में चक्कर लगाता है, 27.3 डेज। रिवोल्यूशन ऑफ मून, मून सैटेलाइट उपग्रह अबाउट अर्थ, अर्थ का चक्कर लगाएगा 27.3 डेज। पॉइंट थ्री डेज मतलब नहीं समझना, पॉइंट थ्री डेज मतलब कितना घंटा है? बोलिए, 3 घंटा नहीं, 24 गुणा करें, 24 × 72 यानी 7 घंटा, 7.2 आवर। पॉइंट थ्री डेज मतलब 7.2 आवर। फिर फंस गया मामला, 7 आवर पूरा पूरा, 0.2 आवर मतलब 12 मिनट। रिस्पेक्ट यहाँ साइकेडिक नहीं है, साइकेडिक होता तो आप कह देते 27 दिन और 3 घंटा, सब को होता नहीं, एक दिन में 24 घंटा होता ना, इसमें 24 गुणा करिए तब घंटे बदलेगा, 24 × 72 मैंने 7.2 आवर। अब 7 आवर पूरा पूरा, 0.2 आवर मतलब 60 से गुणा करी तब मिनट बदलेगा, 6 × 12 120 हुआ, 10 मिनट लगे तो 12 मिनट ना। एग्जैक्ट कितना? 27 दिन बोले 7 घंटे और 12 मिनट, ये होता है कंपैक्ट फॉर्म में, छोटे रूप में 27.3 डेज। सेकंड हैंड वॉच माने पुरानी घड़ी, सेकंड हैंड वॉच में पुरानी घड़ी होती है, लेकिन ये क्या लिख रहे हैं? सेकंड हैंड वॉच, घड़ी में सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली डिटेल का नाम क्या है? सेकंड हैंड वॉच कहते हैं, है ना। इन अ क्लॉक तो बताइए घड़ी में सेकंड वाली सुई 12 पे है, फिर 12 कब बजेगा, कितनी देर बाद? 12 नहीं, घड़ी में सेकंड वाली सुई 12 पर है, फिर वही सेकंड वाली सुई फिर 12 पर कितने समय में आएगी? 1 मिनट। कितने देर? चाहे 60 सेकंड। बोलिए फिर से अगला, घड़ी में मिनट वाली सुई 12 ही ऊपर बज रहा है, मिनट वाली सुई 12। अच्छा मुझे लग रहा है एकदम खोपड़ी के ऊपर, एकदम सब सुपर 12 बजता है, तभी दिमाग को खुदता है क्या? तमाम जैसे कुछ लोग ऐसे भ्रांति ऐसे भ्रम फैलाए, हमें तो नहीं लगता है ऐसा, कुछ ऐसे फील होता है क्या जैसे 12 बज गया है, कुछ अच्छा अच्छा मौसम लग रहा है, आम अच्छा महसूस हो रहा है, हवा अच्छी चल रही है, उजाला लग रहा है, कुछ ऐसे फील होता है अंदर? ये कोई अफवाह फैला है, हमें जरा भी इस बात में विश्वास नहीं। मिनट वाली सुई कहाँ पर है? 12। फिर मिनट वाली सुई घूम फिर कर 12 कब आएगी? कितनी देर बाद? 1 घंटे। तो टाइम पीरियड कितना हो गया मिनट वाली सुई का? 1 घंटे। कोई कहे घंटे वाली सुई, ये आवर हैंड वॉच है, घंटे वाली सुई 12 पे, फिर कब 12 पे आएगी? सोच के बताइए, 12 की 24। चलिए सही, कई घंटे बाद? कुछ लोग गलती 24 बोल देते, 24 बोल देते, कहते हैं रजिस्ट्रेशन वाली घड़ी है ना। तो एक्चुअली है क्या टाइम पीरियड किसके लिए डिसाइड किया था, वो भी जानिए। डिजिटल क्लॉक के लिए नहीं डिसाइड किया जाता, किसके लिए डिसाइड किया जाता है? कोई सचमुच में पार्टिकल हो और वो मोशन कर रहा हो, फिर अपने पाथ को रिपीट करे, तब वहाँ पर टर्मिनोलॉजी सूट करती है टाइम पीरियड। समझ गए? यानी मिनट वाले सेकेंड वाले सुई का 60 मिनट कितना? अरे 60 सेकेंड 1 मिनट, और मिनट वाली की सुई का कितना हो जाएगी? सेकंड वाली का 60 सेकंड, मिनट वाली का मिनट्स हैंड वॉच इन अ क्लॉक। मिनट वाली सुई का नाम क्या है? मिनट्स हैंड वॉच। क्या लिखेंगे इसको? 1 घंटा लिख दें, 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकंड भी लिख सकते हैं। छठा,
आवर्स आवर्स हैंड वॉच इन अ घंटे वाली सुई का नाम क्या लेते हैं आवर्स हैंड वॉच मिनट वाली सुई का नाम मिनट्स हैंड वॉच बोलना सीखे हम कितना कई घंटे भाई बारह नोट ऐसे ठीक नाम है टाइम एक चक्कर लगाने वाला समय यूनिफार्म से प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन एक समान गति के सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है यूनिफार्मली यानी उसकी स्पीड क्या कांस्टेंट है स्पीड की वेलोसिटी बहुत लोग देख के टर्म समझते हैं स्पीड वेलोसिटी मतलब सेम चीज क्या कांस्टेंट हो सर्कुलर ट्रैक स्पीड कांस्टेंट तो ऐसे मोशन को यूनिफार्म सर्कुलर मोशन कहते हैं वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर पॉइंटिंग सर्कुलर मोशन डायरेक्शन बदलता जाएगा तो डायरेक्शन जब बदल रहा है तो वेलोसिटी भी बदल रही है रेडियस आर तो क्या लिखेंगे टाइम पीरियड डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब 2 पाई आर बाई बोले या बी इक्वल टू और क्या होता है आर ओमेगा होता है आर इनटू ओमेगा का आर आर का कैंसिलेशन यानी 2 पाई बाई ओमेगा ज्यादा पॉपुलर अच्छा वाला पार्ट है 12 2 पाई बाई ओमेगा ओमेगा का नाम क्या है यहां पर ओमेगा का नाम क्या है मैं ऐसे पार्ट से देख सकता हूं ओमेगा कौन सी वेलोसिटी है एंगुलर तो सही जानते हैं ओमेगा का नाम है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी थोड़ा सा याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड क्या होना रेडियन पर सेकंड एंगल बाय टाइम होता है या इसको रिस्ट्रिक्टेड मोड में इस ऑसिलेशन के केस में हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलने वाले हैं ओमेगा क्या नाम बोलने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी कहते थे आज और कह लीजिए आगे से मत कहिएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे दोनों चीजें एक ही हैं लेकिन जब पूरा फुल मूवमेंट करने का मौका मिले पूरा चले सर्कुलेट करे तब तो एंगुलर वेलोसिटी बोली और कहीं पर एकदम ऑसिलेशन एकदम टेबल पर कोई स्प्रिंग से मास अटैच है वो आगे पीछे से ऑसिलेट कर रहा है अरे स्प्रिंग से कोई मास ऐसे हैंग कर दिए ऊपर नीचे अप डाउन ऑसिलेट कर रहा है इसमें एंगुलर वर्ड लगाना ठीक है लेकिन वेलोसिटी मत कहिए आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले है ना क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तब होता है पूरा सर्कुलर मोशन करता कर दो ये सब किसके लिए है केवल सर्कुलर मोशन के और ये जनरल सर्कुलर मोशन हो या ना सिंपल हार्मोनिक हो जैसे चल वो ऑसिलेशन हर जगह शुरुआत में ये लोग काफी अच्छी अच्छी बातें सीख गए पीरियडिक मोशन समझ में आ गया अब बारी आसिस ऑसिलेशन को कभी कभार खुश होकर के वाइब्रेशन ही बोलते हैं ऑसिलेशन का एक नया टर्म और क्या नाम है वाइब्रेशन कंपन लेकिन वाइब्रेशन टर्मिनोलॉजी कब सूट करती है कब सही सटीक बैठेगी जब एम्पलीट्यूड बहुत कम हो एम्पलीट्यूड माने मीन पोजीशन से जो एक तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है बहुत कम हो तो उसको वाइब्रेशन भी बोल देते हैं जैसे धागे से एक मास अटैच किया एक कंकड़ बांध दिया कोई छोटी सी गेंद अटैच कर दिया और उसको ऐसे खींच करके छोड़ दिया यहाँ तक खींच के छोड़े ये ऐसे पूरा ऑसिलेशन करेगा अच्छा ऑसिलेशन करेगा देखिए कैसे ऑसिलेशन करेगा ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा नहीं जब जाएगा ऊपर तो धागा तो नहीं लटका है यानी सर्कुलर ट्रैक पर आर्क पर ट्रैक चलेगा आर्क बनाते हुए देख रहे नहीं इस ट्रैक पर ऐसे चलेगा बोले
तो यही एम्पलीट्यूड एक तरफ जो मैक्सिमम जितना जा लेता है, जैसे 10 सेंटीमीटर ज्यादा ज्यादा गया तो 10 सेंटीमीटर क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं धागे से बांध करके दीवार से लटका दीजिए इस छत से, जहां नेचुरली लटकेगा ऐसे छोड़ दीजिए आराम से, ये मान लीजिए वाइब्रेशन ऑसिलेशन कर ही रहा तो छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद रुकेगा ना, रुकेगा जिस पोजीशन रुकता है उसी पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, या और कोई नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन, कौन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन से एक तरफ जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम। तो एम्पलीट्यूड कम हो उस समय ऑसिलेशन को आप वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस कम से कम हो उस डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, बोले चलिए। तो वाइब्रेशन का रिस्ट्रिक्टेड मोड में विशेष रूप से उपयोग में आता है, जैसे ब्लेड हो, ब्लेड दांत पिट्ठो सेविंग वाले ब्लेड ऐसे दबा लिए तो कस करके, है ना, सेविंग वाले ब्लेड और दबा करके ऐसे हल्का से खींच के छोड़ दें, इस तरह से काम कंपन शुरू कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे आप वाइब्रेशन की ऑसिलेशन, ऐसे मुझे निकल जाएगा कि वाइब्रेशन कर रहा है, कंपन कर रहा है कि नहीं, तो स्पेशली उसी के लिए है भी जब बहुत कम जल्दी जल्दी वहाँ पे ऑसिलेशन कंप्लीट हो, यानी एम्पलीट्यूड बहुत कम हो तब उसको वाइब्रेशन, ऑसिलेशन है कि नहीं, ऑसिलेशन भी है वाइब्रेशन, समझ गए, यानी वाइब्रेशन सब कब इस्तेमाल करना जब एम्पलीट्यूड कम से कम, लेकिन इसमें क्या है ऑसिलेशन में पीरियडिक मोशन में ट्रैक की बाध्यता नहीं है, ट्रैक चाहे जैसा लेकिन इसमें ट्रैक की बाध्यता है, कैसा ट्रैक होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर, एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, समझ रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस को एक लाइन हो, एक तो कोई बिंदु हो, पॉइंट हो, उसके इधर उधर एक बार दाहिनी तरफ एक बार बाएं, या पॉइंट को एक बार ऊपर एक बार नीचे, दोनों तरफ मोशन होना चाहिए तभी उसको ऑसिलेशन आप बोल पाएंगे। जैसे हाथ का मोशन क्या है, हाथ का, हाथ हाथ कैसे नॉर्मली जो हाथ का मोशन है ये कौन सा मोशन है, ऑसिलेशन है, कौन सा ऑसिलेशन, यहाँ पर रेफरेंस लाइन या पॉइंट क्या है, जो ऐसे थाई है हमारे पैर का, ये जो पैर की जो पोजिशन है ये रेफरेंस लाइन, इसी की इधर उधर टू एंड फ्रो ऐसे मोशन होता है, देख रहे नहीं, ये हाथ का मोशन कैसा है ऑसिलेशन है कि नहीं, ऑसिलेशन। देखिए पेंडुलम का मोशन कैसा है ऑसिलेशन, पेंडुलम मोशन कैसा है ऑसिलेशन, आम की डाली हो उसको थोड़ा सा ऐसे लटका करके छोड़ दिया जाए उसका मोशन कैसा होगा ऑसिलेशन, सब ऑसिलेशन है। आम की डाली का मोशन पीरियाडिक मोशन है कि नहीं, हाँ पीरियाडिक है, पीरियाडिक तो सभी उसी कैटेगरी है, लिख लीजिए पीरियाडिक मोशन करके शुरू है कि नहीं तब भूलेगा नहीं, पीरियाडिक मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, देख लीजिए टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो माने आगे पीछे, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ब्रैकेट में फिक्स पॉइंट का नाम क्या है मीन पोजिशन, और कोई नाम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजिशन सही रहेगा। नोन एज ऑसिलेशन इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बी वेरी स्मॉल, बहुत कम, देन इसका और क्या बोल देते हैं
हाँ आल्सो नोन एज वायरस। आराम से मुझे खूब मजा आएगा, एकदम तकलीफ नहीं होने देंगे। हो गया यही, आप लोग भी याद नहीं दिलाए। चलिए देखिए, ये वाइब्रेशन था, वाइब्रेशन स्पेशल केस है ऑसिलेशन का, एम्पलीट्यूड स्मॉल होने पर ही बोल पाएंगे आप लोग। एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम और लीजिए, यह बढ़िया एग्जांपल इस बार है, वेविंग ऑफ हैंड। ये हैंड की वेविंग, हाँ हैंड की वेविंग मतलब समझते हैं वही जैसे टाटा उटा करते हैं। टाटा कैसे करते हैं लोग, टाटा ऐसे करते हैं, टाटा एक की तरफ से पोंछ देते हैं, नहीं दोनों तरफ से हाथ देते हैं इस तरह से। इस समय भी हाथ का मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी है ना, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे टाटा करते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे टाटा कर लेते हैं कुछ नए स्टाइल में टाटा करते हैं। सही वाला टाटा तो जानते ही हैं, सही वाला मतलब ऐसे दाएं बाएं से जैसे सिंगल ऐसे दिखाते हैं और नॉर्मली जो वॉकिंग करते समय ड्यूरिंग द वॉक जो हाथ का मोशन है वो भी कैसा है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कही या पूरा लंबा खींच कहना है तो ऐसे बोलेंगे, जैसे ज्यादा बोलने का मन है तो ऐसे कही ऑसिलेटरी मोशन, क्या बोलेंगे, और कम शब्दों में ऑसिलेशन हल्के का मन। वेविंग ऑफ हैंड ड्यूरिंग नॉर्मल वॉक, अच्छा सेकंड हैंड वॉच इन अ क्लॉक, घड़ी में सेकंड वाली सुई का मोशन ऑसिलेशन है कि नहीं, ना वो तो खाली पीरियडिक, टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है, वो तो एक ही ट्रैक पे चल रहा है। इसमें ट्रैक को दोहराना भी चाहिए, एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, उसमें एक ही डायरेक्शन चलता है, खाली क्लॉक ही चलता है, है कि नहीं। इसी को सब एग्जांपल ही नहीं लिख रहे हैं, देखिए कितना सही सही लिख रहे हैं, गलत चीज क्यों बताएं आपको, फालतू भ्रम फैलाएं, है ना। तीसरा मोशन ऑफ बॉडी अटैच्ड विथ स्प्रिंग, स्प्रिंग से जुड़ा हो कोई बॉडी, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दीजिए तो उसका मोशन, कंडीशन है एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स पावर एन, माइनस के इंटू एक्स पावर एन, वेयर एन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, फाइव होना चाहिए, इस तरह से, टू नहीं होना चाहिए, फोर नहीं चलेगा, याद रखिएगा। फॉर एन इक्वल टू वन, जब एन की वैल्यू वन हो जाएगी तो उस ऑसिलेशन को सबसे आसान वाला बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या बोल देंगे, तब उस ऑसिलेशन तो रहेगा ही, लेकिन उस ऑसिलेशन का नया नाम क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एस एच एम बोल देंगे। सही है, अगली हेडिंग डालते हैं, सिंपल
ये एक चीज थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें, यन क्या होना चाहिए, यन सब कुछ हो सकता है बशर्ते एक चीज इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख लीजिए तो इवन मतलब सम, टू नहीं होना चाहिए, फोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन होगा तभी चल जाता है ना। हाँ तो एकदम एग्जैक्ट लिखिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए बस, और एकदम शुद्ध सटीक, कई सवाल एक साथ आ जाए। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHN, यन क्या है, एनी इंडेक्स, कोई भी घात हो सकती है, बस किस बात को अवॉइड करना है, इवन नंबर्स, टू फोर सिक्स एट इस तरह से इवन नंबर ना हो बस। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी वैरायटी है, ये ऑसिलेशन की वैरायटी है, तो यही शुरुआत करिए, ऑसिलेटरी मोशन है ना, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन किसकी वैरायटी है, पीरियाडिक, इससे एकदम लिंकेज समझ में भी आए, तो बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियाडिक होता है कि नहीं, हाँ होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन होता है, सभी SHM ऑसिलेशन होंगे कि नहीं, और सभी ऑसिलेशन पीरियाडिक होंगे कि नहीं, होंगे, मान नीचे से ऊपर बढ़ेंगे सब होंगे है ना, और ऊपर से नीचे आइए, हर तरह पीरियाडिक मोशन ऑसिलेशन होगा नहीं, हर तरह पीरियाडिक मोशन में सर्कुलर भी आ जाता है, वो कहां ऑसिलेशन है कि नहीं, सभी जितने भी ऑसिलेशन है सब SHM होंगे कि नहीं, नहीं, मना कर दीजिए, सर हिला दीजिए, नहीं होगा है ना, सभी ऑसिलेशन SHM नहीं होते हैं, लेकिन सभी SHM ऑसिलेशन होते हैं, जैसे पक्षियों की वैरायटी है, जैसे हम पूछें कि ये क्या है जो काला काला बैठा है काव काव कर रहा है, तो कहेंगे ये तो कौआ है कि नहीं, अच्छा ये जो छोटा छोटा सा ऐसे चींची कर रहा है, नन्ही सी जो गौरैया है, ये तो चिड़िया है कि नहीं, कितना भ्रम में लोग जीते हैं, मोर मुरैला तोता कौआ है ना, सारस हंस गिद्ध बत्तख सब के सब क्या है, बर्ड, लेकिन कौआ दिखा तो उसको कौआ कहेंगे, बाकी सबको चिड़िया कह देंगे है ना, ये भ्रम है ना, तो ऑल बर्ड्स आर ऑल बर्ड्स आर नॉट क्रूज, सभी चिड़िया कौआ नहीं होती, बट ऑल बर्ड्स आर ऑल क्रूज आर बर्ड्स, सभी जितने क्रूज हैं वो बर्ड्स होते हैं, आल कौआज आर नॉट बर्ड्स, नहीं आल कौआज आर बर्ड्स, जितने कौआ हैं सब बर्ड होते हैं, बट आल बर्ड्स आर नॉट कौआज, लिखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी सब वैरायटी है, इसका सब केस है, ऑसिलेशन, लिखिए ऑसिलेशन इन विच फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर किया जाता है, मीटर स्केल का पहला पॉइंटर कहां रखेंगे, मीन पर, मीन पोजीशन, हमेशा डिस्प्लेसमेंट मेजर करने की टेक्निक क्या है, मीन से, माध्य स्थिति से, साम्य स्थिति से, ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट मेजर फ्रॉम मीन, मेजर फ्रॉम मीन, लेकिन थोड़ा से है क्या इसमें, इतने लंबे सेंटेंस में आपने क्या कहा पता है, यह प्रोपोर्शनल एक्स बोला है, लेकिन एक खास बात और, उस फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा मीन को एकदम गौर से निहारता रहता है, उसी देखता रहता है, यही टेंडेंसी है, यानी जैसे कुछ लोग बंबई जाते रहते हैं, मुड़ मुड़ कर किसी घर देखते रहते हैं, घर देखते रहते हैं, वही वाली टेंडेंसी, जैसे यहां पर ये मीन पोजिशन, ये मीन पोजिशन, यहां पर कोई आदमी खड़ा है, तो हम जैसे मार्केट जा रहे हैं, तो हम जैसे यहां इस समय मार्केट जा रहे हैं,
जा रहे हैं तो आदमी सामने तो ऐसे देखते रहेंगे, फिर लेकिन कहेंगे ये टेक्निक होती है, हमेशा उसका इशारा ओरिएंटेशन किधर रहेगा, मीन की तरफ रहेगा, हमेशा उसको निहारता रहेगा, उधर गया तभी इधर तरफ झांकता रहेगा, इधर आया तभी इधर तरफ देखता रहेगा, ये इस खास बात है। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, बट नहीं बट क्या लिखी, एंड इट इज ऑलवेज, इट ऑलवेज डायरेक्टेड, हमेशा किस तरफ, टूवर्ड्स मीन, टूवर्ड्स मीन पोजिशन, समझ गए होंगे, यानी एफ प्रोपोर्शनल एक्स लिखते हैं, या इक्वलिटी साइन की बात आए तो क्या लिख देंगे, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहां क्या है एक्स के प्रोपोर्शनल है, लेकिन एनी इंडेक्स के कोई पावर हो सकती है, यहां पर कोई पावर नहीं अलाउ है, सीधे से एक्स की सिंगल वन पावर अलाउ है बस, इसलिए तो बोले इस इक्वेशन और इसमें काफी सिमिलरिटी है, बस एन हट जाए, एन की वैल्यू वन हो जाए, ये तो चलिए के एक नाम है फोर्स कांस्टेंट, के क्या है कैसे निकलता है, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से डिवीजन लेकर, के नेगेटिव नहीं होता, के नेगेटिव होता ही नहीं, वो तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है, इसका अपोज करेगा डिस्प्लेसमेंट का अपोज, जैसे सीन को समझिए तब समझ में आ जाएगा, जैसे आम की डाली है, चाइनीज आम का पेड़ है, चाइनीज आम का पेड़ इसमें पत्तियां नहीं है, है ना, अब इस आम की डाली को आप लटका रहे हैं, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले आ रहे हैं, ऐसे नीचे से ले आ जाए, नीचे ले आए, बोले छोड़ दें तो, छोड़ दें तो यहां रुक जाएगा, नहीं मास है, रुकना तो चाहिए यहां, लेकिन मास को जैसे भूलने वाली बीमारी है, सिलेंडर भूलने वाली, अपने मोशन को मेंटेन रखने वाली बीमारी है, यानी यहां पर ऐसे लटका के छोड़ दें तो ये रुकना चाहिए था यहां, लेकिन रुके नहीं, ऐसे फिर भूलोगे हो हमको तो यहीं रुकना चाहिए था, फिर क्या कोई बात नहीं आ रहे हैं, फिर नीचे निकल गए, फिर ऊपर चला गया, बार बार ये भूल होती रहती है, यानी इसका मोशन कैसा हो रहा है, ऑसिलेशन, बोले अब जरा गौर करिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट साथ रिलेशनशिप पे गौर करिए, आम की डाली को बहुत थोड़ा सा लटका रहे हैं तो फोर्स ज्यादा चाहिए कम, थोड़ा सा फोर्स चाहिए, थोड़ा सा लटका रहे थोड़े फोर्स चाहिए, और लटकाइए और लटकाइए और फोर्स लगाएंगे, यानी जितना ज्यादा, यही मीन है, यही मीन है, जैसे इस जो हेडिंग डाले इसको मीन पोजिशन समझिए, जितना ज्यादा लटकाएंगे, यहां पर 2 सेंटीमीटर लटका और लटकाइए, 5 सेंटीमीटर लटका और लटकाइए, जितना आप लटकाएंगे उतना ज्यादा फोर्स चाहिए कि नहीं डाली को लटकाने में, लेकिन इशारा क्या है, इसके अंदर की टेंडेंसी, इसके अंतरात्मा का आवाज सुनिए, अगर छोड़ेंगे मौका मिला तो तुरंत मीन की तरफ ऐसे भागेगा, बोले और मान लीजिए फिर रुक नहीं पाया, इनर्सिया को जैसे ऊपर चला गया, फिर इसकी टेंडेंसी क्या होगी, फिर मीन की तरफ आने की, फिर इधर की तरफ आएगा, बोले फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा शिफ्ट कराएंगे, इतना ज्यादा उसको खींचेंगे लटकाएंगे, उतना ज्यादा फोर्स चाहिए, है ना, बस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोज करता है, यानी मीन की तरफ इंडिकेट करता है। नाम क्या है जी इसका, नाम क्या है, फोर्स कांस्टेंट। आगे चल करके स्प्रिंग केस जब पढ़ेंगे तो इसी के को बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, रबर रहेगा तो रबर कांस्टेंट है कि नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट, रबर कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, कुल मिलाकर फोर्स फार्मूला लिखने में मदद किया है, कांस्टेंट के रूप में आया। यूनिट क्या बनेगी के की, यूनिट होगा फोर्स का और नीचे डिस्प्लेसमेंट का, न्यूटन पर मीटर लिख दें, नोट करिए इसको, एक प्रॉब्लम हो जाए, तुरंत सवाल देखे भी कुछ फार्मूला और नहीं देखे, सवाल एक तो पूछ रहे हैं, इससे बुद्धि आपकी खुले। C
चेक द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मोशन कैसा है अंडर एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। दो तीन सवाल बना दे रहे हैं, फोर्स है माइनस सेवन एक्स, फोर्स है माइनस टेन एक्स स्क्वायर, फोर्स है माइनस थ्री एक्स माइनस टू का होल क्यूब, फोर्स है माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, पास्ट बहुत है, माइनस टेन एक्स माइनस टू, बस इतने ये नोट करिए। कैसा स्वभाव होगा, एक मिनट का समय, आइए अब समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ये SHM होगा कि नहीं, पीरियाडिक और ऑसिलेटरी भी है, जब एकदम लोएस्ट वाली कंडीशन को होल्ड करके तो बाकी दो लोग ऊपर वाले रहेंगे, इसे संतुष्ट हैं? ये बताइए कैसा है, ऑसिलेटरी है? दिक्कत क्या है जानते हैं, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखें, एक्स वैल्यू पॉजिटिव, जैसे ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन यही है, मीन पोजीशन, एक्स वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, है ना, नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब फोर्स है इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा फोर्स, और एक्स वैल्यू जो पॉजिटिव, एक्स वैल्यू पॉजिटिव माने इधर होगा, पॉजिटिव जैसे दाहिनी तरफ होगा, फोर्स किधर लगेगा, ये एक्स की वैल्यू, फोर्स इधर लगेगा, बोले, और इसमें जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखें, एक्स वैल्यू नेगेटिव माने पीछे की तरफ, पीछे की तरफ है, तो ये एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इधर, पॉजिटिव नेगेटिव समझते रहिए, एक्स एक्सिस पॉजिटिव दर्शन दाहिनी तरफ होता है ना, तो बताइए कौन पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है कि एफ पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और एफ क्या है, नेगेटिव ना, इसमें एक्स क्या है, लेकिन फोर्स क्या है, इशारा देख रहे हैं नहीं, लेकिन दोनों कंडीशन में एफ के जो हेड है हे इसी मीन की तरफ इशारा कर रहे हैं नहीं, तो कैसा मोशन है ये, सिंपल हार्मोनिक, कैसा मोशन है, ये वाला SHM है, SHM को लिए इतना दिमाग जोर नहीं डालना है, मेरे दिमाग एकदम परेशान हो जाए, सिंगल पावर है, नेगेटिव साइन है, तो SHM बोली, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में यही है, एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे, फोर्स ऑलवेज नेगेटिव, फोर्स किधर, ऑलवेज नेगेटिव, जैसे मीन पोजीशन यहां आप मान ले रहे हैं थोड़ी देर के, एक्स क्या है, एक्स क्या है, लेकिन फोर्स क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव माने इधर है तो इधर और इधर है तो इधर, तब मीन पोजीशन तरफ हरदम है, हमेशा तो नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं क्या, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है जी, तो एफ की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तब पर भी फोर्स नेगेटिव रहेगा, हेड तो बदल गया, मीन तो यही है, तो मीन पोजीशन तरफ हमेशा नहीं देख रहा है, तो SHM है, ऑसिलेटरी है, तो कैसा है ये, स्ट्रेट लाइन मोशन है, दिशा तक का मेंटेन है ना, कैसा मोशन है ये, स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मोशन है ये, इधर बोलिए ये कैसा मोशन है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, बोले एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि थर्ड पावर है ना, लेकिन यहां पर मीन क्या है, मीन पोजीशन यहां पर है, जानते हैं क्या मीन पोजीशन, वो होता है जिस पर नेट फोर्स जीरो होता है, मीन पोजीशन कितना है, एक्स इक्वल टू टू मीटर, एक्स इक्वल टू, अब दो मीटर से जब ज्यादा रखेंगे, दो से ज्यादा होगा, दो से ज्यादा होगा तो ये चीज पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर वाले नेगेटिव काम करेगा ही नहीं, और दो से जब छोटा होगा तो ये चीज निगेटिव आएगा, निगेटिव पावर थ्री है तब भी निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स का नेचर बदल रहा है नहीं, प्लस माइनस, इसका मतलब ये कैसा है, ऑसिलेटरी है, SHM है कि नहीं, नहीं SHM नहीं,
ये कैसा है? वल्ली आसिलेटरी। अफसोस है SHM नहीं हो पाया, बट नॉट SHM। ठीक है, बोले ये बताइए कैसा है? ये भी स्ट्रेट लाइन स्क्वायर हो गया। बोले x की वैल्यू चाहे 3 से स्मॉलर हो चाहे 3 से ग्रेटर हो, हमेशा और हमेशा फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव माने नेगेटिव x डायरेक्शन चलता रहेगा, बस एक ही ट्रैक चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। समझ गए होंगे अब आप लोग, स्ट्रेट लाइन। इसमें बताइए कैसा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है? है। अगर ऐसे लिख देते f इक्वल टू माइनस 10 और 2 माइनस x, सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं? बोले तब भी हो जाता है ना, अब x वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव रखने को स्वच्छंद है ना, तभी हो जाता, भले ही पॉजिटिव आ जा रहा है x के, x पे पावर क्यों चेक करना है, बनाना चाहिए बस। ये भी कैसा है जी? SHM। इसमें मीन पोजीशन, खास बात, मीन पोजीशन कितना है? मीन पोजीशन क्या है? x इक्वल टू मीन क्या होता है? जब फोर्स जीरो हो, कोई तनाव खिंचाव कोई फोर्स ना लगा हो, उसी समय को मीन पोजीशन कहते हैं। दो मीटर से ज्यादा रखेंगे तो फोर्स नेगेटिव, दो मीटर से कम रखेंगे तो फोर्स पॉजिटिव। फोर्स अपना नेचर बदलता रहे, पॉजिटिव नेगेटिव करता रहे। x के सिंगल पावर पे डिपेंडेंसी है तो SHM, और क्यूब है फिफ्थ पावर है तो केवल और केवल आइसोलेशन, और कहीं टू पावर है, फोर पावर है, सिक्स पावर है, तब स्ट्रेट लाइन। समझ गए होंगे, धोखा नहीं खाएंगे भाई। अब इसी SHM को पकड़ करके डील करना है, यही हम लोगों का थीम है आज का। चलिए रिंग डालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो बेहतरीन एग्जांपल रहेंगे, बॉडी का स्प्रिंग से अटैचमेंट रहेगा, बॉडी का किसी धागे से अटैचमेंट रहेगा, है ना, स्प्रिंग मास का आइसोलेशन और धागे के साथ अटैच करके सिंपल पेंडुलम का आइसोलेशन, ये दो चीजें सीखना है। तरह तरह केस में, आधी तूफान पेंडुलम रख दिया गया तब उसका बताइए, कार की छत से लगा दी लटका दिया गया, कार तेजी से चल रही है तब बताइए उसका टाइम पीरियड, तमाम चीजें। बाल पर या जो बॉडी है उस पर चार्ज दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तब उसको वाइब्रेट करा छोड़ दिया तब बताइए उसका टाइम पीरियड, है ना। पेंडुलम लटका करके टंकी डुबो दिया जाए तब उसको हल्का से आइसोलेट कराया तब टाइम पीरियड, तरह तरह का केस। नए नए ऐसे टॉप लेवल प्रॉब्लम ऐसे सोचेंगे, उस तरह को लिखते चले जाए जिससे बुक वाले एक भी सवाल छूटे नहीं और जल्द जल्दी आप जवाब देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ये देखिए जड़ क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की शर्त क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ हो, या प्रोपोर्शनल एक्स हो, फाइनली माइनस साइन आ जाता है माइनस के एच। फोर्स क्या लिख दें, मास और इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए यहां सिंबल स्मॉल ए नहीं लिख रहे हैं, ए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ए वाला एकदम छिपा करके चुरा करके रखे हैं, एम्पलीट्यूड के लिए, आयाम के लिए। एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट की तरह क्वांटिटी, सबसे ज्यादा वाला डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर या मीटर में होना है। एक्सीलरेशन को ऐसे लिख दें, एक बार डिफरेंशिएशन करें एक्स का तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी का एक्सीलरेशन, और दो बार कर दें तब चलेगा, ये मास और इनटू एक्सीलरेशन हो गया कि नहीं, या
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, ये आपने एक्सेलेरेशन ले दिया। ये कौन सा लॉ लगा दिया अंदर अंदर? न्यूटन लॉ। कौन सा है? आई एफ इक्वल टू एम ए की तरह है, बस वही एक चेहरा बदला है। इधर क्या आ जाएगा जी? के एक्स। बोले लेफ्ट हैंड में उठा लाइए, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस के एक्स, और राइट हैंड में कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। बोले एम से डिवीजन लीजिए, पूरे इक्वेशन में एम से डिवीजन, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस के बाई एम और इंटू एक्स, और इधर जीरो। कुछ नया चीज लिख रहे हैं जानबूझ करके, और आपसे देखते हैं, पूछते हैं कि देखते हैं पहचान लेते हैं कि नहीं। आप लोग कोई चेहरा वाला ढक के आया हो, पगड़ी बांधा हो, चश्मा उश्मा लगा के आया, पहचान लेते हैं कि नहीं आप? है ना, वेश बदल करके आप तब भी पहचान लेते हैं कि नहीं? हम लिख दे रहे हैं कुछ ऐसा, बोलिए बताइए उमेगा क्या है? डब्लू नहीं, उमेगा बोलिए। उमेगा क्या है कितने लोग बताना चाहेंगे? हाथ से करें, बस एक लोग, दो लोग बस। चलिए बताइए उमेगा क्या है? अंडर रूट के बाई एम। समझ पाएंगे नहीं आप लोग? कुछ लोग के बाई एम सोच रहे थे, के बाई एम तो उमेगा स्क्वायर है, हम आपसे उमेगा डिमांड कर रहे हैं, दिस बी द के बाई एम रूट में रहेगा, अंडर रूट के बाई। बहुत अच्छा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, अक्सर लोग गलत फ्रेम में रहते हैं, बोल देते हैं के बाई एम थोड़ी है, अरे के बाई एम प्लस उमेगा स्क्वायर लिखे है ना, हम केवल उमेगा चाह रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है? रूट ऑफ के बाई एम। हे यही जो ऊपर आपने इक्वेशन लिख के छोड़ा है, बाउंड्री वाल किया है, यही है आपका रिजल्ट, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, यही है। अच्छा, कोई पूछे एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या बताएंगे आप? एसएचएम में एक्सेलरेशन कितना होगा? दिमाग लगाइए। अरे एसएचएम में एक्सेलरेशन माने क्या? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ना, क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही बोलना है आप। एक्सेलरेशन क्या फार्मूला? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, और यही आगे डेरिवेशन होता है, आप यही फट से देख ले रहे हैं। एक्सेलरेशन फार्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अरे आपको यही चीज चाहिए, यही एक्सेलरेशन होता है, ट्रांसफर कर लीजिए। चलिए प्रॉब्लम देखिए। If y equal to a cos omega t, then y नहीं x लिख देते हैं, x equal to a cos omega t, then check whether given equation of इसका इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का कि फोर्स का? डिस्प्लेसमेंट का, एक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट बी एस एच एम आर नॉट है या नहीं, हा या ना में जवाब देना। ध्यान दीजिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए शर्त क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? दो बार डिफरेंशिएशन करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और उमेगा स्क्वायर के साथ वही पूरा पूरा एक्स ऐड कर लीजिए और मिले कुछ नहीं, तब वो एसएचएम का है। तो क्या तरीका? पहले आप यहां से दो बार डिफरेंशिएशन निकालिए, तो डीएक्स बाई डीटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए कॉस का क्या होता, माइनस की प्लस,
माइनस साइन होता है, माइनस अ साइन ओमेगा टी चल जाएगा, कॉस ओमेगा टी का क्या माइनस साइन ओमेगा टी हो गया डिफरेंशिएशन। और ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो ओमेगा टी का जब फिर से करेंगे तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा तो यानी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी, समझिएगा डिफरेंशिएशन हो गया एक बार टाइम के रिस्पेक्ट। फिर एक बार और करिए, वंस मोर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करना है, एक बार और करिए तो साइन का क्या होता है कास, और एक बार फिर ओमेगा टी करेंगे तो एक ओमेगा और बाहर यानी कास हो जाएगा, माइनस साइन लगा रहेगा ए और ओमेगा स्क्वायर और कास ओमेगा। बोले गौर कीजिए ए और कास ओमेगा टी जिनके इसे अगल बगल लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, ए और कास ओमेगा टी है क्या, ए और कास ओमेगा एक्स है यानी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ले आई इधर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स और बचेगा कुछ नहीं। और यही तो एसएचएम के लिए कंडीशन है, यानी ये जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का है कि नहीं है, है करेक्ट। नोट करिए कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया जाए और आपसे पूछा है बताइए एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं, आप क्या करेंगे दो बार डिफ्रेंशिएशन करिए, है ना, दो बार डिफ्रेंशिएट करके उसको फिर से सेट कर लीजिए इस पैटर्न को दिख रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। अच्छा एक खास बात और थोड़ा समझा दें आपको, यहां ओमेगा स्क्वायर नहीं भी रहेगा तब भी मान लिया जाए, जैसे ये कहें मैंने कंडीशन क्या है डबल डिफ्रेंशिएशन हो एक्स का फिर किसी कांस्टेंट के साथ वही एक्स जुड़ा हो फिर जीरो, समझ पा रहे हैं, ये एसएचएम है। कोई पूछे ओमेगा क्या है तो आप कहेंगे अंडर रूट फाइव है कि नहीं, एग्जैक्ट ओमेगा की शक्ल ना भी मिले तब भी मना नहीं करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए सिंगल होना चाहिए बस। अब कहीं कहीं पर ऐसा ध्यान दीजिए, अभी से एडवांस सीखे तभी वाला आसान हो जाएगा, अभी तुरंत सीखे बड़ी चीज, डबल डिफरेंशिएशन हो सिंगल डिफरेंशिएशन हो देख लीजिए और x का सिंगल पावर हो माने यहां टू हो जाए यहां फाइव हो जाए नंबर उम्बर अपना लगेगा कोई कोई, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है, किसका डैम्प्ड, याद रखिएगा सिंपल हार्मोनिक का क्या फार्मूला होता है डबल डिफरेंशिएशन हो और केवल x का सिंगल पावर वाला, अगर सिंगल डिफरेंशिएशन भी हो गया तब इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और सुनिए एडवांस में सीखिए, एडवांस में सीखने में एक मिनट कुछ नहीं जा रहा है, डबल डिफरेंशिएशन हो ध्यान दीजिए प्लस टू इंटू सिंगल डिफरेंशिएशन हो प्लस थ्री इंटू केवल सिंगल हो एक्स का और इधर कोई फोर्स का इक्वेशन दिया जाए टेन साइन ओमेगा टी इस तरह से इक्वल हो जाए, इक्वल जीरो ना हो तब इसको कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, कौन सा ऑसिलेशन। अब ये चीज बहुत हल्की लगने लगेगी, dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, समझ रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन हो सिंगल डिफरेंशिएशन हो फिर x का सिंगल पावर हो और इक्वल टू जीरो ना होकर के कोई कोई नंबर कोई और इसे साइन कास का फंक्शन हो तो कैसा ऑसिलेशन होता है। इस टाइप क्वेश्चन केवल पलक झपकते भर में एकदम तुरंत एकदम आप विद इन द ब्लिंकिंग ऑफ आई देख करके फट से पहचान लेंगे, पहचान लेंगे और यही पहचाने में लोग एकदम बहुत परेशान हो जाते हैं, खूब हाई फाई बड़ी बड़ी थी। फिर देखिए चलिए बताइए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर कहीं रट्टा तो नहीं मार रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को वाई लिख दिया हम प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन है, एसएचएम का है कि नहीं, चलिए कंफर्म है ना ये एसएचएम का इक्वेशन है हम भी मानते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स बाई डी टी प्लस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो ये बताइए किसका है, डैम्ड की फोर्स्ड डैम्ड, अभी डैम्ड की मीनिंग सही सही नहीं जानते हैं, बस मीनिंग यही है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी सही बात यह है कि जैसे एक बार आप ऑसिलेट करके छोड़ दें तो दिन भर रात भर दो दिन पांच दिन हफ्तों महीनों सालों साल चलता रहे और उतना ही ऑसिलेशन करता रहे कभी न रुके तब उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, कौन सा मोशन,
सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं या फ्री ऑसिलेशन कह देते हैं, क्या बोलते हैं? फ्री ऑसिलेशन। लेकिन आप बताइए उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को, उसी पेंडुलम को चला करके टंकी में डुबो दीजिए, पानी टंकी में, टंकी में डुबो देंगे तब रुक जाएगा कि नहीं? जल्दी रुक जाएगा। चोटा हो, चोटा शहद रखी हो, शहद डुबो दीजिए तब तो ऐसे खींच छोड़ेंगे तो बहुत धीरे धीरे रास्ता साफ करते हुए धीरे धीरे जाएगा, बीच में रुक जाएगा, उस तरफ भी नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? तो वहां पर डैम्पिंग हो रही, फोर्स लगा रहे हैं उसको क्लैंप करने के लिए, डैम्प करने के लिए, रोकने के लिए, तब उसको डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड निरंतर घटता जाता लगातार। पहली बार जैसे पानी में अगर डूबे टंकी में तो यहां से चला मीन से कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 से चला तो ये इधर 8 ही जाएगा, ये इधर 5 ही जाएगा, ये इधर 2 ही जाएगा, फिर 4-5 बार में 10 बार में रुक जाएगा, जल्दी रुक जाएगा कि नहीं? ऐसे ऑसिलेशन क्या बोलते हैं? डैम्प ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन की शर्त क्या है? मीडियम नहीं होना चाहिए, वैक्यूम में ऑसिलेशन करवाएंगे सिंपल पेंडुलम का तो फ्री ऑसिलेशन होगा, है ना? तो दुनिया में कोई भी ऑसिलेशन फोर्स फ्री है कि डैम्प्ड है? डैम्प्ड। हवा में भी जैसे लैब में आप सिंपल पेंडुलम प्रेक्षण कर रहे हैं तो एक बार चला दें क्या कई दिनों तक चलता रहेगा, रुक जाता है कि नहीं? तो कैसा ऑसिलेशन है? डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना? डैम्प्ड सभी हैं। अच्छा, डैम्पिंग को हटाने का प्रयास कीजिए, जो एम्पलीट्यूड निरंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, अंत में रुक जा रहा है, उसको हटाने का तरीका क्या है? जैसे पटोहा है, झूला वाला केस, उस पर एक तो फोर्स ऐसे लगा दीजिए, फोर्स लगा दे तो चलता रहेगा कि नहीं? बोले, और कैसा फोर्स लगाते हैं? झूला पकड़ के पूरा नहीं दौड़ना है, पूरा नहीं दौड़ना है, आराम से जेब हाथ डाल खड़े रहिए, जब झूला आ जाए जाने लगे तैसे धीरे से लगा दिए। बोले, जब जाने लगे धीरे से पुश कर दिए, फिर गया, फिर आया, फिर जाने मूड में फिर धीरे से पुश कर दिए हल्का से, है कि नहीं? जो झूले बैठा है उसकी सांस एकदम टंग रही है, कह रहा है कि बस अब मैं झुलाइए, मैं झुला कर कहाँ झुला रहा है, हम तो हाथ या जेब में डाले, फिर जाने लगे फिर ऐसा धीरे से लगा, है कि नहीं? बीच बीच में आप टोन दे रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा फोर्स लगा रहे हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हैं फोर्स की कि पीरियाडिक सप्लाई कर रहे हैं? पीरियाडिक, रेगुलर फोर्स लग रहा है, पीरियाडिक फोर्स लग रहा है, पीरियाडिक। अब पीरियाडिक फोर्स की पहचान क्या है? पीरियाडिक माने जो लहराता हो रुक रुक करके, तो पीरियाडिक फोर्स की पहचान है या तो ये वाला फोर्स लगाइए या तो है ऊपर से ये वाला फोर्स लगाइए। ये किसका फंक्शन है? साइन का। ये किसका है? या तो इक्वल में, जैसे यही लिख देते इक्वल में टेन कास ओमेगा टी, तो ये कैसा इक्वेशन हो जाता है? फोर्स। इक्वल में लिख देते हैं 5 sin ओमेगा टी, तब कैसा? फोर्स। या तो साइन या तो कास वाला फंक्शन रहता है तो उसे पीरियाडिक बोलते हैं। ये नोट हो गया जी, तो आप थोड़ा तेज तर्राक बनिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी होगा जब डबल डिफरेंशिएशन प्लस सिंगल पार्ट का किसी कांस्टेंट साथ सम जीरो, है ना? तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या फ्री ऑसिलेशन। और दिव्य दृष्टि डालिए, देखते ही खट से कह जाइए सिस्टम होगा कि नहीं। जैसे हम लिखे क्वेश्चन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बताइए सिस्टम का है कि नहीं? हाँ है, ये भी है। यकीन नहीं होता तो आप दो बार डिफ्रेंशिएट करिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी प्लस समथिंग अपना कांस्टेंट आएगा इंटू प्योर वाई आएगा, जीरो नहीं आ जाए, है ना? इतनी दिव्य दृष्टि आई कहां से? और जरा देखिए, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये है कि नहीं? हाँ यही है। y इक्वल टू 3 tan ओमेगा टी, ये नहीं है। अब समझ गए होंगे कौन कौन सा फंक्शन SHM बना सकता है? या तो साइन या तो इसके अलावा कोई नहीं, या तो साइन और कास का सम हो, चाहे अकेले साइन हो चाहे अकेले कास हो, या साइन और कास का कंपोजिशन हो, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, तभी SHM का निर्माण करेगा, नहीं अदरवाइज नहीं करेगा। कुछ सुविधा हुआ? एक तो और हो जाए, चेक वेदर इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट
वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी बी ए इक्वेशन ऑफ एसएचएम आर नॉट है कि नहीं बताइए एसएन में कंफर्म है ना, है ना। लेकिन अब जवाब अगर निकालना हो देख लीजिए एक बार, बाकी तुम लोग तुरंत क्लिक कर देंगे अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सोल्यूशन देखिए, तो पहले तो y लिख लीजिए साफ साफ, a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा, जरा डिफरेंशिएशन में सब लोग साथ दीजिए और तुरंत सीख भी लीजिए, बहुत माथा पच्ची खेल नहीं है, आराम से। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, और उसके बाद किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, उसके बाद टी के बगल में जो है वो एक बार बाहर भी आता है, ये ध्यान देना है। तो बोलिए डी वाई बाई डी टी क्या होगा, करना दो बार, पहले एक बार कर लें, क्या लिखें, ए और एक ओमेगा बाहर लीजिए और साइन के क्या लिख दें कॉस, और जो है वही रखिए कॉस ओमेगा, समझ में आया। यहां ओमेगा बाहर आएगा और कॉस के जिस माइनस साइन में बी ओमेगा और साइन ओमेगा, ऐसे समझदारी से बोल दीजिए काम बन गया। एक बार और करिए, वंस मोर एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, एक बार और करिए फिर वही हाल भाई, कोई डर थोड़ी है। कास का क्या होता है, माइनस लगेगा नहीं और एक टू ओमेगा बढ़िया जाएगा, ऐसा करिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन भी कर दीजिए साइन ओमेगा। यहां बताइए साइन का क्या होता है, कास होता है, लेकिन एक टू ओमेगा तो बाहर आएगा तो माइनस 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 बने रह जाएगा इंटू, इसमें से क्या कुछ कॉमन ले लें, कुछ जुगाड़ बताइए, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या बचेगा, ए साइन ओमेगा और प्लस नहीं हो जाएगा, अगर माइनस साइन कॉमन लिया है तो माइनस यहां भी है माइनस ओमेगा, तब प्लस क्या बी कॉस ओमेगा। और जरा देखिए ये इक्वेशन नंबर वन का भरपूर इस्तेमाल होने वाला है, इक्वेशन नंबर वन क्या बताता था, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्लस बी कॉस ओमेगा, ऐसा है कि नहीं, वही चीज दिख रहा है, ये इतना भारी भरकम चीज क्या हो गया, केवल और केवल वाई, इक्वेशन वन पूरे पूरे बैठ गया कि नहीं, क्या है इस तरफ ले आई पुलिया पार कराइए, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का अब प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई, इधर कुछ भी नहीं, और यही तो एस एच एम का डिफरेंशियल इक्वेशन है, माने डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो यानी पूरा पूरा एस एच एम का ही उसी परिवार का है, ये भी एस एच एम का इक्वेशन है, समझ में आया कि नहीं भाई। और हम लोग पास दिव्य दृष्टि है तो फालतू में समय गवाए हैं, बाकी देख करके ही ऑब्जर्वेशन पता लग गया था कि एस एच एम का इक्वेशन। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है, साइन का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे अगर कह दें y इक्वल टू टू साइन थ्री टी है, ये एस एच एम है कि नहीं, हाँ है, लेकिन y इक्वल टू कह दें सेवन साइन स्क्वायर फाइव टी है, ये एस एच एम, साइन साइन का या कास का सिंगल सिंगल पावर वाला होना चाहिए, है ना, फट से देख के पहचान लीजिए, बाकी बिल्कुल नहीं पहचान में आ रहा है, जिद कर लिए हैं कि नहीं चेक ही करना था, चेक कर लीजिए, दो बार डिफरेंशिएट करिए, कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट लेकर के लेफ्ट में इधर ले आए, जीरो हो जाए तो हो गया। अब देखिए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो,
सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन मतलब जो वेरिएबल है उसी वैल्यू निकालना, वही उसका हल है। यहां इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें से भी एक्स निकाल लीजिए काम बन गया। एक्स माने क्या? वेलास्टिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए इसी से, तो वही सोल्यूशन हो गया, हल हो गया उसका। अब सोल्यूशन निकालने के लिए देखिए, एक्स तो यहां मान लीजिए खुले मार्केट में है, ये यहां डिफरेंशिएशन के अंदर है कि नहीं, परेशान किया जा रहा है। डिफरेंशिएशन किया गया है तो डिफरेंशिएशन छुटकारा दिलाने वाला कौन सा अस्त्र है? इंटीग्रेशन। अब कई बार डिफरेंशिएशन है तो कई बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दो बार इंटीग्रेट करें तब जाकर के फाइनली एक्स आएगा। अब हम एक ही बार में साफ सुथरा आपको एक्स दिखा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। सोल्यूशन का सही मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की सही सही वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन आता है? ए साइन ओमेगा, ऐसे लिख लीजिए। या एक और वैल्यू पॉसिबल है, ए कॉस ओमेगा। इसका जब सोल्यूशन निकालते हैं तो दो वैल्यू संभव है, या तो साइन के साथ या तो कॉस के साथ, बस यही है। ए को क्या बोलते हैं? एक नाम क्या है? एम्पली। और ओमेगा क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो निकालेंगे कैसे? 2 पाई बाय कैपिटल टी करके, टी टाइम पीरियड है या टी निकालना है तो 2 पाई बाय ओमेगा करके लिख लीजिए। इसी बहाने फार्मूला भी सामने आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब दो हैं, या तो ये होगा या तो या लगाए हैं कि नहीं, दोनों या में से कंफर्मेशन करना है कब जो है सोल्यूशन का पहला वाला इक्वेशन लिखा जाए कब दूसरा वाला इक्वेशन। तो हम बता रहे हैं जब सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन से स्टार्ट, कहां से स्टार्ट? मीन से, एकदम मध्य से, तब आप पहला लगाइए। मीन का मतलब क्या? जब टाइम काउंटिंग जीरो हो, टाइम काउंटिंग नहीं हो रही, टाइम काउंटिंग नहीं हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, एकदम मीन में से रुका है, एक चल पड़ा तो शुरू एस एच एम, समझ गए? जब एस एच एम की स्टार्टिंग कहां? सिंपल हार्मोनिक मोशन की मींस इक्विलिब्रियम से हो तो पहला लगाइए। और कभी कभार ऐसा होता है कि पेंडुलम को पकड़ करके यहां ले आए किनारे तक अब छोड़ दें, तब घड़ी देखना शुरू करें, तब मोशन तो यही एस एच एम होगा, लेकिन यहां छोड़े हैं तब से घड़ी देख रहे हैं तो कास वाला फंक्शन है ना। ठीक, देखिए जब टाइम जीरो, टाइम जीरो तो साइन जीरो हो गया, साइन जीरो को जीरो, टाइम जीरो पर अगर पोजिशनल जीरो हो तो इसका मतलब मीन से ही काउंटिंग कर रहे हैं तो पहला लगाइए। और टाइम जीरो पर कॉस जीरो कॉइल वन, एक्स कॉइल ए, और जब एम्पलीट्यूड से मोशन स्टार्ट करें तो दूसरा। याद रखिएगा मीन से स्टार्ट हो रहा है तो पहला, और एम्पलीट्यूड से अधिकतम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा कॉस वाला। From starting from mean, starting from कहां से? Amplitude। लिख तो लेते हैं बहुत लोग लेकिन application नहीं जानते, तो आप application पर जोर दे रहे हैं, बातों को एकदम clear cut समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही वाला ज्यादा कीमती हम लोगों के लिए, कभी कभार ये भी हो जाता है, कभी कभार ये भी हो जाता है, ज्यादा यही लगना है, इसी पर सब सवाल टूटने पहले वाले। ग्राफ देखिए जरा इसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, एक्स एक्सिस के लाइन टाइम है, वाई एक्सिस के लाइन डिस्प्लेसमेंट है, एक्स
तो किसका एक फंक्शन है, साइन का है कास का, पॉजिटिव है कि निगेटिव? कहां से स्टार्ट करें, ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से उठाई लहराते हुए से चली, ये इसका कर्म, आसान से कर। ये अपेक्स पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए है, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है बोले, माइनस। एक चक्कर कब पूरा हो रहा है, एक चक्कर जब पूरा हो जाए तो उसी समय घड़ी देख लीजिए, उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। एक चक्कर मतलब एक ठो क्रेस्ट हो ऊपर वाला, एक ठो ट्रफ हो नीचे वाला, ये यहां एक चक्कर पूरा हो गया, इसको क्या बोलेंगे टाइम पीरियड, इसको क्या बोल रहे हैं टाइम पीरियड का आधार टी बाई टू, ये इसको क्या बोल दे टी बाई, इसको क्या बोल दे थ्री टी बाई, ये मार्किंग करना होगा टाइम वाले एक्सिस पर। तो ऐसे देखिए सबसे छोटा वाला पार्ट लीजिए, सबसे छोटा वाला पार्ट कितना, टी बाई फोर, टू टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, फोर टी बाई फोर, और फोर टी बाई फोर में फोर फोर कैंसिल टी आ, उसी तरह से मार्किंग करना। इसका मार्किंग बोलिए फाइव टी बाई फोर, इसका सिक्स टी बाई फोर, इस कोने में अपना सोच लीजिए सिक्स टी और बाई फोर मतलब थ्री टी बाई फोर है कि नहीं, ये सिक्स टी बाई फोर, ये सेवन टी बाई फोर, और ये कितना एट टी बाई फोर, और एट टी बाई फोर मतलब चार से डिविजन लीजिए तो टू टी, और टूटी है कि नहीं, एक ऊपर और एक नीचे लोग मिलेगा तो टी, फिर एक ऊपर एक नीचे फिर टूटी हो गया, एक जगह फुल टाइम पीरियड के लिए मार्किंग कर दिया, बाकी अपना कर सकते हैं। समझ में आया, इस तरह से कर बनिए। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, बस सीधी सी बात। दूसरा पॉइंट वेलोसिटी, इन एस एच सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, सिंस डिस्प्लेसमेंट तक तो पहुंच ही गए हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी, यही तो है ए साइन ओमेगा टी। तो यहां से वेलोसिटी चाहिए तो क्या लिख दें, वेलोसिटी क्या फार्मूला होता है, v इक्वल टू बोलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए dx बाई dt लिख दें, और डिफरेंशिएट करेंगे तो आप बताइए फायदा लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होगा cos, और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा कि नहीं, a ओमेगा और क्या cos r हो गया, यही वेलोसिटी आ गई। लेकिन अभी थोड़ा और आगे चलने वाले हैं, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया ए ओमेगा cos ओमेगा बस। और आगे सीखना है, आप ध्यान दीजिए, यहां से हम cos को कुछ नए फॉर्म लिख रहे हैं, cos को v इक्वल टू लिख दे रहे हैं ए ओमेगा, cos को ऐसा लिख दें वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस, अरे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा, और रूट में फंसा है तो बाहर आएगा कास थीटा, सही लग रहा है, क्लास टेंथ वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का सम वर्ग होता है बोले। तो यहां से क्या लिख दें कास ओमेगा, देखिए पहले देखिए कास ओमेगा टी काम कर रहा है कि नहीं, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिखेंगे आप, कास स्क्वायर ओमेगा टी, और रूट में है कास स्क्वायर ओमेगा टी बाहर आकर के कास ओमेगा टी, यानी एकदम सही है सोच हम लोग, सही, थोड़ा सा दिमाग में दर्द हुआ लेकिन बाद में समझ में आ गया, नोट कर लिया। अब कोई बताए साइन ओमेगा टी क्या है, किससे डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन, साइन ओमेगा टी निकालना है तो एक्स बाई ए आ जाएगा, यानी अब हो गया आपके लिए है बहुत बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीजों को लिखने में पूरा समझने में ज्यादा समझने के चक्कर में आप घबरा जाए, आराम आराम से एकदम मिठास की तरह एकदम बिल्कुल एंजॉय लेते हुए है कि नहीं, छेना खाना है 5 रुपए छेना खरीद के लोग खा लेंगे है ना, छेना बना के नहीं खाएंगे तब ज्यादा मेहनत होगा, तब छेना बनाते समय देखेंगे उसमें घंटे भर मेहनत करेंगे तो मन उचट जाएगा, कहेंगे कौन खाएगा इतनी मक्खियां इसमें भिनभिना रही थी है कि नहीं, दूध में 4-5 बार ऐसे कूद गई थी मक्खी, कौन खाएगा छेना है कि नहीं, बना बनाया रहे अपना मन पक्का करके आंख बंद करके खा लीजिए है ना। देखिए v इक्वल टू हम लोग बना बना मटेरियल यूज करने वाले हैं,
ए ओमेगा, बोलिए क्या रख दें इसकी वैल्यू क्या रखें, साइन ओमेगा टी क्या छाटी, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगी, साइन ओमेगा टी बोलिए चलेगा, एक्स बाई ए रख दीजिए, एक्स बाई ए स्क्वायर है उसकी भी कदर करिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोले। यहां पर अगर एक एंट्री करा दें तो जब अंडरवुड के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई होता है, ये ओमेगा बाहर और यहां स्क्वायर होकर के ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर अंदर आ जाएगा तो कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर ये हो गया। लीजिए वेलोसिटी के दो दो फार्मूले आ गए, इक्वेशन वन वेलोसिटी का किस फार्म में है, टाइम के फार्म, इक्वेशन टू वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के फार्म। यही आपके लिए ज्यादा कीमती फार्म का, दिस बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन टू, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसका इक्वेशन है, चेक करना हो अगर समझना हो, सिंस वी स्क्वायर कर दीजिए इक्वेशन टू का, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा तो आपको वेलोसिटी और एक्स के साथ रिलेशनशिप देखना है, तो ओमेगा स्क्वायर की एंट्री कराइए, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक तरफ ले आइए तो वी स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आ रहे हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं राइट हैंड ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस अब बताइए हमें एक्स और वी के बीच रिलेशनशिप सर्च करना है, एक्स में कितनी पावर दो, वी में कितनी पावर दो, और बीच में प्लस साइन है कि नहीं, कोएफिशिएंट इक्वल है कि नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है, यहां वी स्क्वायर कोएफिशिएंट वन है, यहां एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर, जैसे ऐसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन, ये सर्कल है लेकिन डिस्टर्ब कर दे टू एक्स स्क्वायर तब कह दें इलिप्स, बोले एक्स स्क्वायर प्लस सेवन वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन, ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का, ये पहुंच देता सर्कल, ये अब किसका इलिप्स, अब किसका फिर से सर्कल, इक्वल हो जाएंगे तो सर्कल और इक्वल नहीं रहेगा तो इलिप्स, सर्कल का फिगर ये है और इलिप्स फिगर है, ऐसे थोड़ा सा मजाक कर दबा दे, ये इलिप्स है जो चपटा वाला, और इसका नाम तो शुद्ध सटीक जानते ही हैं, ये सर्कल। इक्वेशन में बहुत थोड़ा सा खासियत है, दो लेटर में दो दो पावर हो और बीच में कौन साइन हो, प्लस अगर कोएफिशिएंट पड़ोसी इक्वल है तो सर्कल, पड़ोसी इक्वल नहीं तो इलिप्स। समझ गए कैसा किसका इक्वेशन है, सर्कल है इलिप्स, एक्स और वी के बीच जब प्लॉटिंग करने की बारी आएगी तो एक सर्कल बनाएंगे इलिप्स बनाएंगे, इलिप्स, अब इलिप्स में कितना फैलाव होगा एक्स एक्सिस के लांग, कितना फैलाव होगा वाई एक्सिस के लांग, पूरा सही सही जानना चाहते हैं, इधर वन लाइए, वन लाने के लिए इसी पैटर्न से भाग डिवीजन, ये आ जाएगा आपके लिए, इसी से डिवीजन ले रहे हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई प्लस वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और इक्वल टू इधर इतने डिवीजन लेंगे तो वन आ जाएगा, है ना, किसकी तरह है, लुक किसकी तरह है, सिमिलर टू, सिमिलर टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इलिप्स का ब्रांडेड वाला फार्म होता है, एकदम सचमुच वाला, इसमें एक्स एक्सिस के लांग कितना फैलाव होता है, ओरिजिन के दाहिनी तरफ ए, बाई तरफ फिर से ए माइनस, ऊपर बी नीचे माइनस, है ना, उसी तरह छाटिए, इसका जरा फिगर बना लीजिए, इसका फिगर, चलिए ग्राफ बना देते हैं, ये किसका इक्वेशन हो गया, ये सिमिलर टू यही, और ये किसका इक्वेशन है जी, इलिप्स, यानी ये इक्वेशन भी इलिप्स का है, ग्राफ चलिए दो बनाते हैं। अभी हम लोग एकदम एब्स्ट्रैक्ट स्टडी कर रहे हैं, एकदम निरस्त चीजें पढ़ रहे हैं,
केवल मैथमेटिकल व्यू देख रहे हैं, अभी जैसे पेंडुलम और स्प्रिंग का मोशन स्टार्ट होगा खूब मजा आ जाएगा। चलिए ग्राफ्स देखिए, वेलोसिटी के दो इक्वेशन हैं, एक है वी वेलोसिटी का टाइम के साथ और दूसरा क्या है वेलोसिटी का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो पहला वाला वीटी कर्व बना रहे हैं, वीटी कर्व किस इक्वेशन से बनेगा, इक्वेशन वन से जो इरेज कर दिए। क्या था इक्वेशन वन याद है, ए ओमेगा और कॉस ओमेगा, किसका कर्व बना है साइन का कॉस का। अब कॉस कर्व कहां बनता है, ओरिजिन से मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम शुरू कीजिए और पॉजिटिव है तो ऊपर से ऐसे। अच्छा एक बात और, जैसे हाथों की गड़बड़ हो गई आपकी, जैसे हम कहें ऐसे कर्व बना, सुनिए 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 इधर देखिए ऐसे, ये किसका कर्व है, आप कहेंगे साइन का कर्व है, डिस्प्लेसमेंट प्लॉटिंग कर रहे हैं कि वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे बनाए तब तो ठीक है, ऐसे चमका है, कहीं हथौड़े की गड़बड़ा गई आपकी, ऐसे ध्यान भटक गया, ऐसे कर दे रहे हैं, अरे ये तो बहुत खस्ता हालत हो रही है। आगे चलते, ये किसका कर्व है, डैम्ड का, किसका डैम्ड वाले में एम्पलीट्यूड घटता जाए। अच्छा कहीं ऐसे मान लीजिए खस्ता हालत का एकदम बढ़िया कंडीशन ला दें ऐसे, अरे ये क्या है, फोर्स्ड, समझ गए। ऐसे मजाक में हम लोग इक्वेशन भी सीख गए थे, डैम्ड फोर्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, कभी कभार पहचानने के लिए आ जाता है, पहचान भी लेंगे कर देख करके भी समझ जाए। एकदम यूनिफॉर्मली अप डाउन कर रहा है तो SHM, एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है धीरे धीरे तो डैम्ड, एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो फोर्स ना, पढ़ना SHM ही खूब दम लगा करके। इक्वेशन पहचान कैसे करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन और डिस्प्लेसमेंट का सिंगल पावर हो केवल तो SHM, डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन और डिस्प्लेसमेंट सिंगल पावर हो तो देन डबल सिंगल डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू कोई फोर्स का इक्वेशन लिखा हो साइन या कॉस के टर्म, तब कैसा। देखिए कितनी बड़ी चीज है, कितने आराम से आप लोग जान गए, ये हो गया जी। इसमें फुल टाइम पीरियड कब होगा, फुल टाइम पीरियड भाई देखिए, एक ऊपर लोब हो एक नीचे तब जाक होता है, ये एक ऊपर लोब थोड़ी है, ये तो ऊपर लोब का आधा ही है, ये तो मान ली नीचे वाला लोब पूरा है, एक तो ऊपर वाला लोब और आधा ले लीजिए यहां तक, तब जाकर टाइम पीरियड टी हो, समझ गए। इसका आधवा कहां होगा, इस टी का आधवा है यहां बीच में होगा कि नहीं, ये कितना टाइम होगा जी टी बाई, और इसका आधा है ये देखिए ये कितना टी बाई, ये कितना होगा 3t/4 बना लीजिए, बाकी ऐसे मार्किंग करना होगा, ये हम तो तुरंत पहचान लेंगे, हमारे पास आइडिया है, अभी आपको बताते हैं। चलिए एक थॉर बनाइए, वेलोसिटी की ही प्लॉटिंग कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो कैसा कर बनता है, Vx curve इज इलिप्टिकल इन नेचर, एक्स एक्सिस के लांग सचमुच में x को ही दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस के लांग वेलोसिटी, ऐसा कर बनेगा, ये ऐसे ही इलिप्टिकल बनेगा। याद रखिएगा वेलोसिटी का कर्व ये भी है, वेलोसिटी की ये भी, लेकिन किसके साथ, वेलोसिटी के टाइम के साथ, वेलोसिटी का पोजीशन के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, बदल गया। बोलिए एक्स एक्सिस के लांग कितना फैलाव है, एक्स एक्सिस फैलाव ए होता है दाहिनी तरफ, ए होता है बाईं तरफ, सचमुच में ए है तो ए स्क्वायर, लेकिन रूट लेकर के तब बोलते हैं, कितना फैलाव है ए, कितना फैलाव है ए, लोकेशन तौर पर ए का मान 0, लोकेशन तौर पर -1.0 चलेगा। ऊपर देखिए वाई एक्सिस के लांग कितना फैलाव होता, ऊपर भी और नीचे भी रूट लेकर के, है तो बी स्क्वायर लेकिन बोल रहे हैं मुझे बी, यहां रूट लीजिए, रूट लेके तो ओमेगा इनटू ए ऊपर और माइनस ओमेगा इनटू नीचे, ये ओमेगा इनटू ए है लेकिन एक्स एक्सिस पर चला ही नहीं है, 0, ओमेगा ये 0, -ओमेगा, लोकेशन लिखना आ गया कि नहीं आप लोग।
वीएक्स कर्व कैसा होता है? वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ इलिप्टिकल होता है। लिख लीजिए वीएक्स कर्व फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इलिप्टिकल इन नेचर, स्वभाव में इलिप्टिकल होता है। नोट कीजिए एक और बच्चा है, कितना सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं। अभी आप लोग भूले होंगे, मैटर बिखरा हुआ है, लेकिन अभी हेडिंग के नाम लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। हाँ, इसी तरह हम लोग पढ़े। पहले क्या पढ़े हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या पढ़े? वेलोसिटी। अब किसका नंबर? एक्सेलरेशन। लिख ली एक्सेलरेशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन। इसको तो हल्के में निकालिए, एकदम सस्ते में काम बनाइए। सिंस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन आपके लिए तो यही है, यही तो एक्सेलरेशन है जी। बोलिए, इसी नाम एक्सेलरेशन है कि नहीं? इसी एक्सेलरेशन को हम लोग ए नहीं लिख रहे हैं, यहां पर कौन सा नोटेशन दे रहे हैं? अल्फा। याद रखिएगा, यहां पर एक्सेलरेशन क्या लिख रहे हैं? अल्फा। अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। This will be the acceleration in SHM. अब कर्व हम अभी आपको तुरंत देखिए, ये तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। वेलोसिटी से उठा करके अगर एक्सेलेशन पाना है, और वेलोसिटी का कॉस इक्वेशन टाइम वाला नहीं, तो यहां पर एक्सेलेशन ये आ जाएगा। अब आप चाहे तो ए और साइन ओमेगा टी को हटाना चाहे तो इसके प्लेस पर फिर से एक्स रख दी, फिर देखिए बदल मिल, ये इसे छोड़ दीजिए। ये एक्सेलेरेशन का इक्वेशन है टाइम के बाद। अब इसका जरा ग्राफ देखिए, एक्सेलेरेशन का ग्राफ, एक्सेलेरेशन को देख रहे हैं कितने ग्राफ बनेंगे? दो। एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन और टाइम बीच में कैसा कर्व बनेगा? साइन का कॉस का, साइन का मतलब ओरिजिन से, लेकिन ऊपर से नीचे से, नेगेटिव साइन प्लस नीचे से, समझ गए? ये कहां पर कितना मार्किंग कर दें एक्सिस पर? माइनस ए इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ऊपर, ऊपर कितना? प्लस ए इंटू ओमेगा का स्क्वायर। एक्स एक्सिस के लांग टाइम है, वाई एक्सिस के लांग अल्फा। अल्फा जरा कागज बनाइए, ये ए है एम्पलीट्यूड, बाकी ये फुल टाइम पीरियड है, बाकी अपना उसी हिसाब से और मार्किंग कर, समझ गए? दूसरा इसका संभावित कर्व क्या होगा? दूसरा वाला एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम, टाइम नहीं एक्स पोजीशन, और वाई एक्सिस के लॉन्ग अल्फा। तब इसका कर्व है ऐसे बने, स्ट्रेट लाइन। बोले इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोलते हैं? वाई। इसको क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स सचमुच में है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, एम एक्स प्लस सी। सी नहीं रहने पर ओरिजिन पास करता है। तो कोई पूछे कि m x, m क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप कितना है यहां पर? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, था फर्स्ट थर्ड में ऐसे होता लाइन, और नेगेटिव है तो 90 ज्यादा हो जाएगी, इधर हो जाएगी, बस यही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है अल्फा की? यहां से अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू
अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ए हो जाए, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, और मिनिमम वैल्यू भाई नेगेटिव साइन के साथ माइनस कितना, ये वही ए ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ माइनस ए और ओमेगा का स्क्वायर, ये कब की वैल्यू है, जब एक्स की वैल्यू ए है, एक्स वैल्यू ए, और ये कब मिलेगा, जब एक्स वैल्यू माइनस, स्ट्रेट लाइन होगी, कैसा कर वही स्ट्रेट लाइन, हो गया। इसका स्लोप क्या है, स्लोप कितना है, अगला छोटा पॉइंट फोर्स इन एसएचएम, ए फोर तो बहुत पहले ही से लिखते आ रहे हैं, फोर्स फार्मूला क्या है, माइनस के इंटू एक्स, बोलिए, या फोर्स फार्मूला और कुछ लिखना चाहें, माइनस के और एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी है कि नहीं, बोलिए, टाइम के फॉर्म में भी आ गया, पोजिशन फॉर्म में भी। अब इसका ग्राफ जरा देख लीजिए, टाइम के फॉर्म अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, टाइम के फॉर्म ऊपर या फिर, तो किसका कर्व है ये, साइन का कि कॉस का, साइन का, पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे से स्टार्ट करें, यानी एक्सेलरेशन और फोर्स का कर्व एकदम सिमिलर होता है, एकदम सिमिलर हूबहू, बस एक्सिस पर मार्किंग बदलती है, ये कितना होगा माइनस के इंटू ए, ये कितना होगा प्लस के इंटू ए, बाकी फुल टाइम पीरियड यही, यहां पर एक्सिस की मार्किंग क्या होगी, ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, उसी पहचान में आ जाएगा। और दूसरा कर्व बनाना हो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एफ और एक्स, यहां पर एफ और एक्स कैसा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन यहां भी बनेगा, स्लोप क्या है माइनस के, नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब फिर उसी स्टाइल में ऐसे ही बनेगा, देख रहे कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा फोर्स की वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा के एक्स, ज्यादा से ज्यादा दूसरे डायरेक्शन में माइनस के, सही है, ये कब होगा, नहीं के इंटू ए होगा जी, के ए और ये माइनस के, ये कब होगा, जब एक्स वैल्यू ए हो, एक्स वैल्यू, समझ गए हम लोग, ये भी आपके लिए स्ट्रेट लाइन ही है, बस स्लोप कितना है, स्लोप कितना के की माइनस की, और उसका स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। बड़ी भीड़ लग गई भाई, पांच छह तरह के कर्व ही हो गए, कंफ्यूजन का डर है, कहीं खिचड़ी न पक जाए, मिल न जाए, लीजिए इसी भय को दूर करते हैं, जल्दी से एक ट्रिक बता रहे हैं, उसे समझिए आप। देखिए तैयार हैं, ये वाला टाइम कितना होगा जी, टी बाई टू, और ये वाला टी बाई फोर, ये वाला ना फाइव टी बाई फोर, कहाँ रख रहे हैं जरा उसको भी देखिए, टी के आगे चलेंगे, टी के आगे चलेंगे, फाइव टी बाई, ये वाला थ्री टी बाई फोर, एक छोटा पोर्शन सबसे क्वार्टर वाला कितना होता है, टी बाई फोर, नोट हो गया ये, बोले ये देखिए समझिए,
एक्स वैल्यू क्या लिखते हैं, ए साइन ओमेगा, वेलोसिटी क्या लिखते हैं जल्दी यहीं से बताइए, ओमेगा बाहर, ए ओमेगा और कॉस ओमेगा, एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं यहीं से बताइए, ए बराबर डिफरेंशिएशन माइनस ए और चलेगा, ये तीन इक्वेशन बन गए। अब हम कर्व बना रहे हैं, पहचानिएगा किसका कर्व है, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का, ये किसका कर्व है, ये किसका कर्व है, समझ गए, अब कष्ट दूर हुआ, माने है बेसिक तीन ही, टाइम के साथ लहराने वाले कर तीन ही, ओरिजिन ऊपर से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम से स्टार्ट होगा तो निकास वाला माने वेलोसिटी तो ना, और साइन एक कर बना लेकिन नीचे बना दे तो एक्सीलरेशन वाले में ऐसा होता है कि नहीं, बस ये मेन तीन ठिकना याद रखी। ये तो टाइम के साथ हो गया, सब पहचान लेंगे ना, ये किसका कर्व है, ये किसका एक्स है, ये किसका कर्व है, वेलोसिटी का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी की इलिप्स बनता है, और ये एक्स है ऊपर फोर्स बना दे रहे हैं, ये किसका कर नहीं, ये किसका कर है, अब वही डायलॉग हो गया, बसंती तुम्हारा नाम क्या है कि नहीं, हम गलती से बता दिए थे, बताइए क्या है, और क्या हो सकता है, अगर फोर्स होगा तो स्लोप माइनस की, अगर एक्सीलरेशन होगा तो स्लोप माइनस ओमेगा। इसको चलिए बहुत अच्छा लगा मेरा, समरी ऐसे निकालना जरूरी होता है। तो अब सीखते हैं, एक आध क्वेश्चन हो जाए, एक आध सवाल लग जाए बढ़िया वाला, देखिए टूल्स जरा देख लीजिए, अब तक मोटा मोटा टूल्स, टाइम पीरियड क्या होता है जी, टाइम पीरियड टी होता है 2π/ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू याद करिए शुरुआत में ही लेक्चर के, अंडररूट m/k/m होता है, अंडररूट a/m, तो टी क्या आ जाएगा 2π, अब बाई ओमेगा आती है पल्टी मार जाएगा तब हो जाएगा m/k, टाइम पीरियड फार्मूला इस सदाबहार इवरग्रीन वाला फार्मूला है m/k। कोई पूछे के कहां से मिलेगा, हम उपाय बता रहे हैं, के कहां से मिलेगा, फोर्स फार्मूला लिखिए, फोर्स फार्मूला उसमें एक्स का जो पड़ोसी है वही के है ना, वही के मिल जाएगा, इसी में रख दीजिए अपना टाइम पीरियड। ओमेगा कहां से मिलेगा, ओमेगा हम बता दे रहे हैं, पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो ए साइन ओमेगा टी, टाइम का जो पड़ोसी होता है वही ओमेगा होता है, बोले जैसा सवाल वैसा जवाब, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया जाएगा तो वहां से ओमेगा छांट लीजिए, 2π/ कर दीजिए ओमेगा, अगर फोर्स का इक्वेशन दिया जाए तो वहां से डिस्प्लेसमेंट पड़ोसी के होता है तो 2π/ अंडर रूट m/k, ये लगा दीजिए, दो हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूले बताए, समझ गए। दूसरा दूसरा फालतू चीज है, फ्रीक्वेंसी क्या है जी, फ्रीक्वेंसी होता है भैया टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम पीरियड को पलट दीजिए, टांग ऊपर सर नीचे ऐसे, ये है फ्रीक्वेंसी, क्या फार्मूला आ जाएगा, वही फार्मूले, तब आप लिख देंगे ओमेगा बाई 2π, तब आप लिख देंगे 1/2π अंडर रूट k/m, है कि नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट हम लोगों को टाइम पीरियड में है। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है हर्ट्ज, क्या होता है हर्ट्ज, शॉर्ट में hz लिखते हैं, और इसका तो यूनिट होता है सेकंड, सेकंड होता है टाइम है, एक क्वेश्चन हो जाए हल्का वाला, एक रुपए वाला, इफ
एक्स इक्वल टू 5 sin पाई टी मीटर, ये सब क्या है मीटर, डिस्प्लेसमेंट दिया है और एसआई यूनिट है मीटर. देन फाइंड आउट पहला सवाल, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेलोसिटी. छोटे से क्वेश्चन देखे, चार सवाल ऐसे पूछ रहे. चलिए सोल्यूशन यहां देखिए क्या दिया है जी, एक्स इक्वल टू 5 sin πt है. कंपेयर करिए ए साइन ओमेगा टी, बोलिए कंपेयरिंग विथ किसके साथ इसका तुलना करें, ए साइन ओमेगा टी. बोलिए एम्पलीट्यूड क्या है, A इक्वल टू 5 है, आई मीटर. ये तो एक आंसर आ गया आपका, दूसरा वाला तो फ्री मिल गया है कि नहीं. चलिए और देखिए ओमेगा कितना है, साइन के सामने जो टाइम का पड़ोसी हो वही, साइन सामने टाइम का पड़ोसी कितना पाई, ओमेगा कोई पाई है, ओमेगा पाई है तो यहां से टी क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, 2π/ कितना आ गया, ओमेगा मतलब खाली पाई, पाई कट गया कितना आया. ये भी कोई सवाल था क्या, पहला वाला इसलिए आंसर पहला आ गया. और फ्रीक्वेंसी तो इसी को पलट दी, टाइम पीरियड आ गया पलट दी 1/t. नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होगा जी, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ एन इक्वल टू 1/t होता है, 1/t का मतलब 1/2, 8.5 लिख दे रहे हैं और यूनिट हम तो हर्ट्ज लिखेंगे. लिख दीजिए कौन रोक ही रहा है, दिस विद द अच्छा तीसरा वाला सब आते गए कि नहीं फटाफट. एक और बचा मैक्सिमम वेलोसिटी, हम सुना रहे हैं आपसे चौथा वाले सवाल जवाब, सिंस वेलोसिटी फार्मूला तो ये है भैया, हाँ वेलोसिटी फार्मूला है ओमेगा बाहर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम कब होगा जब एक्स जीरो, वी मैक्स होता है कितना ए इंटू ओमेगा. और ये शुभ घड़ी कब आती है, जब एक्स जीरो, एक्स जीरो माने मीन में, सही भी तो है. पेंडुलम की वेलोसिटी कब ज्यादा होगी, पेंडुलम ये जो जैसे छत से कोई धागे से बॉडी को टच किया, ज्यादा वेलोसिटी कब होगी, पॉइंट नंबर 1 पर, पॉइंट नंबर 2 पर, पॉइंट नंबर 3 पर, ऊपर जाना जब 20 जाए बहुत तेजी से जाएगा और ऊपर जाते जाते फिर रुक जाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मीन पे मैक्सिमम, फिर ऊंचाई चढ़ेगा फिर धीरे धीरे कम. सबसे ज्यादा वेलोसिटी हाईएस्ट कहां होती है, मीन में, इक्विलिब्रियम में होती है कि नहीं, और इक्विलिब्रियम मतलब जीरो, यही से मेजरमेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, x = 0. चाहे मन में सोच लीजिए पेंडुलम की वेलोसिटी कहां होती है, मैक्सिमम मीन में, मिनिमम कहां होती है, एकदम किनारे पर, एकदम किनारे पर, किनारे माने एम्पलीट्यूड पर, है ना, मीन माने x = 0 पर, x = 0 यहां से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a ओमेगा हो जाएगा, यही होता है मैक्सिमम इलास्टिक फार्मूला. तो रख दीजिए ना a कितना आया है, बोलिए a माने एम्पलीट्यूड, इसे शुरुआत में निकाली 5, और ओमेगा कितना है एग्जैक्टली पाई, बोलिए 5π आ गया, यानी 5 × और पाई की वैल्यू 180 रख दें तब कितना, हाँ 3.14,
जब पाई रेडियन कहा जाएगा तब 180 डिग्री, रेडियन नहीं कहा गया केवल पाई है हमेशा 3.14 या 22/7 ही रखा जाएगा। क्या आया? मीटर पर सेकंड। अब इससे तगड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हम भी नहीं पूछेंगे, सवाल बदल दे रहे हैं। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन देख करके ज्यादा से ज्यादा चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सवाल कैसे आ सकते हैं उसी को हम दिखा रहे हैं, बस जो पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन हो गया। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम बी एफ इक्वल टू -20x, y भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर ऊपर वाइब्रेशन हो तो y लिख दीजिए, ऐसे वाइब्रेशन होते हैं x लिख देते हैं, x y में कोई भेदभाव नहीं करना ज्यादा, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। देन फाइंड आउट टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। सोल्यूशन देखिए, सिंस एम कितना दिया है जी, 50 ग्राम है, 50 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, 10^-3 कर दें, 15 × 10^-3 कर दें तो आप लिख पाएंगे इसको किलोग्राम में, किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग करना पड़ता है ना 1000 से, वही लिख दिया हमने। और जीरो को एडजस्ट करना चाहे तो 5 × 10^-2 लिख सकते हैं किलोग्राम, चलेगा। आल्सो फोर्स का फार्मूला एफ इक्वल टू -20x है, आप बताइए के कितना है, जल्दी बोलिए, के 20 है, एफ इक्वल टू -kx होता है, के की जगह 20 लिखा है कि नहीं। नाउ जब के मिल गया एम मिल गया तब देरी किस बात की, नाउ टाइम पीरियड का पुराना फार्मूला जो टूल्स में कैद किया गया था 2π√m/2 ये तो होता है, रख दीजिए तो 2π√m आपके लिए बहुत हल्का है जी। अरे 50 ग्राम को हल्का कह रहे हैं, के कितना है जी 20, 5 × 20 4 आ गया, बोले तो 2π√10^-1 और नीचे 4, ये 4 बाहर आएगा तो 2 को काम करेगा कि नहीं, और नीचे 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल भी हो गया, थोड़ा ऐसा कर लीजिए, और 10^-2 10^-2 जब बाहर आएगा 10^-1 हो जाएगा, 10^-1 और 10^-1 का मतलब होता है 1/10, यानी टाइम पीरियड हो गया आपके लिए कितना, टाइम पीरियड π/10 सेकेंड, 10^-1 आएगा, 10^-1 मतलब नीचे 10 लिख सकते हैं, वह लिख दिया। और सुंदर लिखना चाहते हैं 3.14 होता है तो 0.314 कर दीजिए, कितना सही कैलकुलेशन, कितना फास्ट अच्छा वाला कैलकुलेशन किए हम लोग। दो तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन देकर के और एक फोर्स का, फोर्स का क्वेश्चन देगा तो वहां से फट से आप के निकाल लें, और डिस्प्लेसमेंट के दिया जाएगा तब दो चीजें मिल जाएंगी, ए भी मिल जाएगा और ओमेगा भी मिल जाएगा। क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है?
थोड़ा सी चीज और एडवांस में जानिए, अगर दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन एसएचएम के दिए हैं और सबको कंबाइन किया जाए तो उस समय नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है वेक्टर, जैसे ए और बी दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, ऐसा होता है। उसी तरह फार्मूला लगाएंगे, पहले टूल्स लिख लीजिए, टूल्स फॉर कंपोजिशन ऑफ टू आर मोर देन टू एस एच एम, अगर दो या दो से ज्यादा एस एच एम को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा, ट्रीट, ट्रीट माने व्यवहार करना, एम्पलीट्यूड एज वेक्टर, बस यही सबसे ऊंची रणनीति है। प्रॉब्लम देखिए, इफ वाई इक्वल टू थ्री साइन ओमेगा टी प्लस फोर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसा देन नेट एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम क्या होगा, ये भी एस एच एम है, ये भी एस एच एम, और दोनों एस एच एम का ऐड कर लिए, तब एम्पलीट्यूड क्या हो, एक एम्पलीट्यूड बताइए। इस समय क्या लिखेंगे, नेट एम्पलीट्यूड आर इक्वल टू अंडर रूट, या ऐसे देखिए, पहले वाले प्लॉट करना है, पहले वाले एम्पलीट्यूड कितना है, थ्री है, दूसरे वाले एम्पलीट्यूड कितना है, फोर है, यही ना है, लेकिन ये किधर है, इसको शुद्ध सपाट ऐसे एक्स एक्सिस डायरेक्शन मानिए, कितना यूनिट, थ्री यूनिट, और ये किधर, ओमेगा टी में 90 जुड़ा ऊपर की तरफ मानिए, लेकिन कितना मानेंगे, फोर यूनिट, तो थ्री और फोर का रिजल्टेंट किधर आएगा, बीच में आएगा, और कितना होगा, बस यही चलाकी, बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा बुद्धि खर्च किए, अंडर रूट में थ्री का स्क्वायर प्लस यानी फाइव आ गई, फाइव यूनिट, चाहे मीटर हो तो मीटर हो नहीं सेंटीमीटर, समझ गए, ज्यादा वाला कंपोजिशन देखिए, एक इफ एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस थ्री साइन ओमेगा टी प्लस एक और पाई बाई टू, इसी में पूरा पाई हो गया, प्लस एक ठो और फोर साइन ओमेगा टी प्लस इसमें एक ठो पाई बाई टू और ऐड करिए, थ्री पाई बाई टू, देख रहे हैं, इस तरह से चार इक्वेशन दिया गया। अब बताइए नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इतना खतरनाक सवाल, देन नेट एम्पलीट्यूड, अब भाई तुरंत हाई फाई क्वेश्चन पे आ जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन, क्या हो जाएगा सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन नेट एम्पलीट्यूड निकालना है तो पहले इसका बताइए एम्पलीट्यूड क्या है, साइन या कॉस के पहले जो सबसे बाहर लिखा रहता है वही एम्पलीट्यूड होता है, इसका एम्पलीट्यूड वन है, इसका, इसका और इसका फोर, तो पहले प्योर वाले को एक्स एक्सिस डायरेक्शन मान रहे हैं, ओमेगा टी को मान लिया के इधर है, कितना यूनिट है जी, वन यूनिट, एक यूनिट, चलिए, और ये कितना है, दो है, लेकिन किधर, 90 प्लस 90 माने ऊपर की तरफ दो यूनिट, ऐसे
चलिए दो यूनिट है, ये दो यूनिट ऊपर तक, और ये कितना यूनिट है, तीन यूनिट है, लेकिन किधर 90 है, ये कितना 180 बोलते हैं पाई को, उससे भी ज्यादा 90, इसका मतलब इसमें 90 और ऐड करना थे इधर चला आएगा, तीन यूनिट है ये, वन टू थ्री, हाँ तीन यूनिट, चलिए ठीक। और ये कितना यूनिट है, फोर यूनिट, लेकिन किधर, बगल वाले 90 है लेकिन ये 270 है, 3π/2, इससे 90 और एडवांस कर रहा था, 90 और एडवांस कर रहा था, नीचे आ गया, कितना 4, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट हो गया। अब बताइए इसका नेट फिगर फिर से बनाना चाहेंगे तो 1 और 3 ठीक एकदम अपोजिट है, इक्वल अपोजिट नहीं, इक्वल अपोजिट है तो 0 होता, 1 और 3 का नेट कितना आएगा, 2 आएगा, किधर आएगा, लेफ्ट साइड, ए इधर, कितना आया 2 यूनिट, और 2 और 4 का नेट कितना आएगा, ये भी 2 आएगा, किस तरफ, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उल्टा आपको उल्टा रहता तो घट जाता, सब्ट्रैक्ट हो जाता, ये आ गया आपके लिए 2 नीचे। अब इस 2 और 2 बीच में कितना एंगल है, 90, इसका रिजल्टेंट क्या इसी बीच में कहीं कहीं आएगा, दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग, 2 की स्क्वायर प्लस क्या आया, अंडर रूट 8 आ गया, यानी 2 अंडर रूट 2 मीटर या सेंटीमीटर, या नहीं लिखना चाहते बचना चाहते तो यूनिट लिख दीजिए, जो यूनिट रहे फिट बैठ जाएगा, समझ गए, एम्पलीट्यूड को आर लिख दिए हैं, ए लिखते थे बी लिखते थे, हमने आर लिख दिया, उसमें क्या है, अब समझ में आ गया होगा, उतना बड़ा सवाल है, इतने में आया है, बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे, आप लोग सब लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग कम समझ पाएंगे, मजा आया कि नहीं भाई, प्योर ओमेगा टी को एक्स एक्स डायरेक्शन दिखा करी, बाकी जितना प्लस है उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। इफ वाई इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 8 कॉस ओमेगा टी देन एम्पलीट्यूड R इक्वल टू सम, एम्पलीट्यूड क्या होगा, 4 यूनिट, 9 यूनिट, 15 यूनिट, 10 यूनिट, कौन सा 10, कैसे लगाएंगे इसको, साइन है और कॉस है, इसको 90 प्लस करके लिख सकते हैं साइन, इसका मतलब दोनों बीच में कितने का एंगल है 90, एक साइन एक कॉस है, दोनों बीच में 90 का एंगल है, तो इसका मतलब 6 और 8 90 पर अटैच है, तो रूट में स्क्वायर एडिंग कर दी, समझ गए, एक साइन फंक्शन एक कॉस फंक्शन हो तो उसके बीच में 90 का एंगल होता है, दोनों साइन होता, अच्छा मान लीजिए 6 साइन ओमेगा टी प्लस 8 साइन ओमेगा टी रहता था तो 14 हो जाता, अरे तो क्या दिक्कत थी, अरे 6 साइन ओमेगा टी प्लस 8 साइन तो 14 साइन ओमेगा टी नहीं लिखते लपेट के, उसने भी सोचेंगे तो 14 हो जाता 14, लेकिन 1 साइन 1 कॉस रहेगा तो 90, दोनों साइन है तो वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, किसी एंगल पर भी हो सकते हैं, तब सामने वाला एंगल देखेंगे हम लोग, है कि नहीं, बोलिए, चलिए तो 6 और ये 8, किसी जैसे 6 को हम लोग इधर मान लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक तो 8 हो गया ऊपर, इसका रिजल्टेंट कितना आ गया 90 पर आता, रूट में स्क्वायरिंग एडिंग, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 धीरे से गठिया लीजिए कितना आया, 100 का रूट अगर ऐसे छोड़ देंगे तो कितना दुनिया में बदनामी हो, कितना लोग ताना मारेंगे, चलिए नोट करिए, ये आपका फाइनल जवाब है। कभी कभार लोग जब ताना मार देते हैं तो सहा नहीं जाता।
बल्कि एक आध डंडा मार ली चलेगा, ताना मत मारना। गांवों में इन सब चीजों का बड़ा महत्व। एक बार एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, यही मौसम रहता है तो चना भून करके हुरहा देता है, हुरहा समझते हैं, चना भून करके ऐसे ले जाता है कि ऐसे कुरी भोकी में ले जाता है, कहे भैया बताए, मतलब कहते हैं कि लीजिए आपको खा लीजिए, चना उपारा गया था तो भूज दिए बच्चे, लीजिए आपको खा लीजिए हमें। और उधर वहां घर की औरतें बहुत संकालु थी, बहुत बड़ी आलू थी, है ना, तो समझ गई थी कि बाद में ये औरत कभी कभी ताना मार सकती है। उस होरा को पन्नी में गठिया करके गमछी उमछी लपेट कहीं कुटी टांग दी थी। और हुआ वही, एक महीने बाद झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, बच्चे आपस में खेल रहे थे सब, अपना उसी में उनके मुंह से निकल आया कि अरे हम तो इतना मानते थे कि हम तो अपने घर को होरा आपको दे दिए थे। तो कहा बस 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 रुकर कर गए और तुरंत छोड़ के लाए, कहे ले अपन होरा खाए ले, हम जानते रहे कौन को ताना पर। इतने लोग अलर्ट होते हैं, जानते थे फ्यूचर कभी कभी बात आएगी जरूर, हाँ एक दाना तुहार ना खाए गिन ला अपन दाना पर। भाई बात से न मारिए किसी को, ढिल्ला मार दीजिए, चक्का मार दीजिए, डंडा एक आंख लगा दीजिए, लेकिन बातों से वार मत करिए, है ना। लीजिए ये मुख हो गया, बड़ा समझ में आया भाई, खूब मजा आया। अब कुछ चीजें हम और पूछते हैं, जैसे एक तो मजेदार सवाल, मान लीजिए एक लोगों के 2 मीटर के रस्सी की जरूरत है, कितने मीटर रस्सी की, और एक लोगों की जरूरत है 5 मीटर रस्सी जरूरत है, कै मीटर, वो 5 मीटर रस्सी वाले से अपना भैंस बांधना चाहते हैं, 2 मीटर वाले से अपना पिल्ला बांधना चाहते हैं, छोटा वाला जो डागी ले आए है ना, और एक साथ दोनों नहीं बंधेंगे, बारी बारी से, जो भैंस चल रही थी उसमें पिल्ला बंधा, भैंस आ गई पिल्ला छोड़ दिए अपना, बताइए मार्केट से कई मीटर की रस्सी खरीदेंगे आप जिससे दोनों काम हो जाए, 2 मीटर की 5 मीटर, 5 मीटर काम हो जाएगा, ये नहीं कि 2 मीटर, मैंने जो ज्यादा वाला होगा वही अमाउंट लीजिए आप। ये तो आइंस्टीन वाली खोज पर, जैसे आइंस्टीन की जो सोच थी उस पर आधारित क्वेश्चन हो गया। आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वास्तव में ग्रेट साइंटिस्ट थे, और जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं ना उनसे कह दीजिए, जो बड़े वैज्ञानिक उनसे कह दीजिए, कोई घर से फोन कर रहा है धनिया खत्म है, धनिया 50 ग्राम लेते आइएगा, तो शाम को लौटेंगे क्या उसे उम्मीद करते हैं धनिया आ जाएगी, भूल गए अपना, बड़ी बड़ी हाइपोथेटिकल चीजें में ऐसे चल रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, स्पेस में वॉन्डरिंग कर रहे हैं, वो धनिया और मिर्चा खोए रहेंगे, जीरा और मंगरई ख्याल करेंगे, जीरा कहा था मंगरई कहा था पता नहीं, गोरा वाला काला वाला भूल जाएंगे, है ना, कंफ्यूजन में रहे भाई, उनको बड़ी चीजों में विचार मग्न है एकदम ना, तो छोटी चीजों पर उतनी अहमियत नहीं देंगे उसको। हाँ आइंस्टीन भी वही कारनामा हुआ, लोग उनके ऊपर काफी इंडिकेट किए, काफी ऐसे मुस्कुराए आपस में से कहे कि अरे लगता है आइंस्टीन को देखकर। हुआ क्या था, आइंस्टीन जी एक तो कुतिया ले आए, कुतिया ले आए, उनका शौक था भाई जानवरों को पाला जाए, एक कुतिया ले आते हैं, उसको खूब बढ़िया सा एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, और उसमें उसके रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं अंदर करते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था, टीवी भी लगा देते हैं, है ना, वाईफाई लगवा देते हैं, पूरा मनोरंजन पूरा साधन है ना, और आने जाने के लिए, आने जाने के लिए एक तो बढ़िया से दरवाजा बना देते हैं, दरवाजा भाई कुतिया गई तो एकदम पैक कर रहे हैं, सांस एकदम घुटने लगे ना, बाहर का भी सामान को टहल लिया करे, दरवाजे से बाहर आ जाए फिर अंदर चले जाए, फिर कुतिया 2-1 दिन बाद उदास रहना शुरू कर, एकदम मुंह लटकाए ऐसे, खाना पानी धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर,
तब उनको याद आया कि ओहो अब समझ में आया पिल्ला इसका नहीं लाए हैं इसलिए उदास हो गई है। तो गए फिर उसका पिल्ला भी ले आए, है ना। और ये पिल्ला लेके आते हैं तो कुतिया एकदम खुश, कानून एकदम टाइट, एकदम खुश हो गई, एकदम दौड़ा ली, खेलती थी अपना मगन थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई शाम हो गई, ठंडी वाला मौसम है, इसको भी तो अंदर रखना पड़ेगा। और अंदर रखने के लिए फिर उन्होंने कहा आइंस्टीन, फिर आइंस्टीन ने फिर छेनी हथौड़ी उठाया, दीवार एक और तोड़ दी, कहें इससे कुतिया की माँ जाएगी, इससे पिल्ला जाएगा, इससे बड़ी वाली कुतिया जाएगी, इससे पिल्ला जाएगा। एक दरवाजा और काट दी। अब क्या था इसमें, गलत कुछ नहीं हुआ भाई, उनका मकान था, चाहे जय थोड़ी मारे, चाहे गिरा दे धारा दे पूरा, लेकिन मजेदार बात तो समझ ही गए होंगे आप लोग, इससे जब कुतिया जा सकती है तो बिल्ला भी किससे जा सकता था, है कि नहीं। लेकिन उसके लिए अलग से दरवाजा बनाते, नहीं इससे पिल्ला जाया करेगा, बाय रूल आप इधर से लेफ्ट राइट एकदम मार्चिंग करते हो, एकदम कदम ताल करते हो, आप इससे जाओ इधर से इधर जाओ, भूल गए थे, भूल हो जाती है। अच्छा यहाँ तक उठ हो गया जी, एक मजेदार सवाल हो, लेट समझ पाए क्या जी। कई बार जैसे कुछ लोग दिमाग प्रोसेसिंग स्लो होती है, प्रोसेसर बताता स्पीड को, जैसे रैम और रोम होता है। किसी किसी की रैम कमजोर होता है तो लेट समझ में आता है, लेट समझ में आता तो लेट से हंसना शुरू करते, काफी देर तक हंसते रहते हैं। आइए इधर चल सवाल। हाँ तो बात कंक्लूजन यहां पर पहुंची कि जैसे कई एसएचएम के इक्वेशन को आप कंबाइन कर रहे हैं, उनका नेट रिजल्टेंट आप एम्पलीट्यूड निकालना जान गए, एकदम मास्टर टाइप का आदमी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए बताइए नेट एम्पलीट्यूड के बारे में क्या, नेट टाइम पीरियड के बारे में क्या ख्याल है, टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए, तो क्या करेंगे आप नेट टाइम पीरियड, हम बताएं, हमसे पूछिए। जैसे ये देखिए लिख दें क्या एक्ट लिखे दे, इफ हम टाइम पीरियड आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, टाइम पीरियड जैसे सबके अलग 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 आ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा वाला टाइम पीरियड होगा वही सबका ओवरऑल का टाइम पीरियड हो जाएगा, बस इतने बताना चाहेंगे, समझ गए। या सही तरीका क्या है, टाइम पीरियड फॉर्मूला लिख डालिए, उसका निकालिए एलसीएम, क्या निकाल ले, और टाइम पीरियड जरूरी थोड़ी है प्योर नंबर में आए, हो सकता है डिवीजन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तब कैसे एलसीएम, एलसीएम हम सिखा दे रहे हैं, जो एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी करते थे एलसीएम नहीं निकालना आता उनको, हम आपको सिखा दे रहे हैं। जैसे 12 और 15 का चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए इसका, इसका एलसीएम चाहिए, तो हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, याद रखिए एकदम मौज करें खूब, 12 लिख लीजिए और हथौड़ी लीजिए एकदम फोड़ दीजिए, जैसे गुड़ फोड़ा जाता है एक बार फोड़िए, नहीं नहीं बड़ा ढुक्का है गुड़ महंगा है, एक हथौड़ी और मारिए, तब तक फोड़िए जब तक एकदम चुरकुनी एकदम भुरकुनी भुरकुनी ना हो जाए, समझ पा रहे हैं। तो नंबर को कैसे तोड़ना है जिससे उससे स्मॉलेस्ट नंबर में न टूट पाए, पहले एक हथौड़ी मारिए 4 3 12 तो छोटा वाला जो ढुक्का है उसको उठा कर रख लीजिए, अपना भौकिम रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 बचा है फिर एक हथौड़ी मारिए 2 2 जा, है ना, इस तरह से इसको फैक्टराइज कर लेना है जिससे उसको और छोटा में न फैक्टराइज किया जा सके। इसको भी जरा फैक्टराइज करिए, 15 को भी क्या लिखेंगे, 3 5 3 5, तो 3 जो मिले उसको नीचे रखिए और जो ना मिले उसको एकदम देश निकाला बनवास कर दी, 5 नहीं है 5 नहीं है, यहां लिखिए दूरी सही है, लंबी सी लाइन खींचिए सबको उतार लीजिए, कामन हो उनको न कामन उनको, कामन है लिख लीजिए कितने बार, नहीं है तब भी लिखिए, नहीं है फिर भी लिखिए, तब और लिखिए, टोटल कितना आ गया बोलिए, मल्टीप्लाई 6 हो गया और ये 10 हो गया, 60 लिख दें, एलसीएम कितना आ गया, समझ गए एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, है ना, छोटे छोटे फैक्टर, जिससे फैक्टराइज में किससे किससे 2 3 5 ये सब टर्म आने चाहिए, बस 4 वाला टर्म नहीं आना चाहिए क्योंकि 4 तो खुद टूट रहा है, 9 से मत काटिए, 9 तो खुद 3 * 3 टूट जाए, है कि नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में फैक्टराइज कर लीजिए इसको।
अगर कोई कह दे भाई एलसी में जानते हैं कि एससीएफ भी, एससीएफ भी एकदम तत्काल बताइए। एससीएफ निकालने का तरीका है जो कॉमन हो, जो सब में उपस्थित हो, सब में तो यही थ्री है, एससीएफ केवल थ्री, समझ गए। फैक्टराइज करने का फायदा, फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, जो सब में कॉमन हो उसको लपेट के ले दीजिए, वो एससीएफ हो गए, और जो कॉमन हो या न कॉमन हो सबके उतारिए तो वो एलसीएफ। निकालना सीख गए, कितने लोग आ गए जरा हाथ चक्कर। चलिए, लेकिन समस्या तो तब आती है, बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब कहा जाए 5/3, 15/12, इन सब का बताइए एलसीएफ क्या। फ्रैक्शन की एलसीएफ, फ्रैक्शन की एलसीएफ बता दें। फ्रैक्शन की एलसीएफ लिखने का तरीका है जैसे इसका, फ्रैक्शन की एलसीएफ लिखना है क्या लिखते हैं, एलसीएम आप ऊपर वाला 5 and 15, अब बाई एचसीएफ आप नीचे 3 एंड, अगर फ्रैक्शन के एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर के एलसीएम और नीचे डिनोमिनेटर के एचसीएफ, यही तरीका है। बोलिए 5 और 15 के एलसीएम 15 होगा, और 3 और 12 का कॉमन तो 3 है, 3 होगा, कितना आ गया एलसीएम 5, एलसीएम कितना आ गया 5। ये वाला बहुत कम लोग जानते हैं, आज से आप लोग जानना शुरू कर दिए, है ना। प्योर प्योर नंबर रहेगा तो एलसीएम एससीएफ निकालना आसान है, फ्रैक्शन रहेगा तो उसमें दोनों लग जाता है। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले के एलसीएम नीचे वाले के एलसीएफ, तब जो आएगा वो फाइनल आंसर है, समझ गए। आप लोगों से पढ़ाने से अगर यशस्वी रेलवे वाले उन बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे एकदम आंख कान टाइट करके देखते रहे, कह रहे वाह गजब गुरु जी को ताली बजाएंगे, गजब की ट्रिक है, बहुत खुश होते हैं, है ना, वो बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसी ट्रिक पाने के बाद। आप लोगों के पास शहर कोई हाव भाई ही नहीं, आप लोग हलवा लग रहा था, है ना। लीजिए, इफ वाई इक्वल टू 2 sin ωt प्लस 3 sin 2 ωt प्लस 10 sin 3 ωt। देखिएगा, देन टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड क्या करेंगे, इसका निकाल लीजिए टाइम पीरियड, इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए सबका, वही हो जाएगा। पहले वाले टाइम पीरियड बताइए, ये छोटा सा इक्वेशन है, पहले वाले टाइम पीरियड क्या लिख दें 2π/, सचमुच में ओमेगा। दूसरे वाले बताइए 2π/, सचमुच में ओमेगा, ओमेगा सचमुच में 2π, सॉरी 2ω चलेगा, पाई बाई ओमेगा आया यहां से। तीसरे वाले बताइए 2π/ ओमेगा, और इसका ओमेगा माने टाइम पड़ोसी 3ω, समझ रहे नहीं, एक ये आया और एक ही और एक ही, क्या आ जाएगा नेट टाइम पीरियड, क्या लिखेंगे एलसीएम किसका किसका, T1 T2 एंड T3। एलसीएम निकालेंगे तो क्या तरीका है, ऊपर वाले के एलसीएम भाई देखिए पाई 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 सब में पाई रहेगा ही, अब बताइए 2 1 2 एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, एलसीएम कितना आया 2। और नीचे वाले क्या सीएफ, नीचे ओमेगा है, नीचे ओमेगा है, नीचे 3 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा 3 ओमेगा, क्या कॉमन, खाली ओमेगा इन कॉमन, यही आंसर, समझ गए। ये सबसे खतरनाक वाले सवाल थे, इनका भी दर्शन आप लोगों ने कर लिया, ये अब तक अब्स्ट्रैक्ट स्टडी चल रही थी, कल एनर्जी देखना है, एनर्जी देखना है और सिंपल पेंडुलम देखना है और स्प्रिंग्स अटैच सिस्टम का ऑसिलेशन। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।